रात को डिनर के बाद प्रियल बोर हो रही थी और वो कंपनी का इंटरनल फोरम विजिट करने का सोच रही थी ताकि वो देख सके कि लोगों ने उस पोस्ट पर क्या कमेंट किए हैं। प्रियल जैसे ही अपने घर के डेस्कटॉप पर कंपनी का इंटरनल फोरम अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन करती है तो वो देखती है कि वो पोस्ट वहां पर नहीं था। प्रियल उस पोस्ट को टॉप मोस्ट पेज पर ना देखकर सोचती है कि मे बी वो सेकेंड या थर्ड पेज पर चला गया होगा, पर जैसे ही वो आगे के पेज ओपन करती है किसी भी पेज पर वो पोस्ट ना देखकर प्रियल काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। प्रियल को पता था कि वो पोस्ट आज अर्ली मॉर्निंग का ही था और इतनी जल्दी उसका गायब हो जाना टॉप हेडलाइन से ये इम्पॉसिबल था। प्रियल उन हैशटैग्स को भी यूज करती है जो उस पोस्ट को सर्च करने के लिए उस पर पोस्ट किए गए थे, पर तब भी वो पोस्ट उसको नहीं मिलता, जिसका मतलब साफ था कि वो पोस्ट फोरम से डिलीट कर दिया गया था। प्रियल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो पोस्ट जो उसे बदनाम करने के लिए किया गया था वो कैसे कोई इतनी आसानी से डिलीट कर सकता था, और उसे पता था कि अनोखी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। अनोखी के बाद सिर्फ एडमिन टीम ही थी जो ऐसा कर सकती थी, पर प्रियल को पता था कि एडमिन टीम ऐसा कभी नहीं करने वाली थी खुद के एंड से, फिर कौन कर सकता था। सडनली प्रियल को साहिल का नाम अपने दिमाग में हिट हुआ, क्योंकि वो ही था जिसने प्रियल को उस पोस्ट करने वाले के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, और उसकी वो हैकिंग स्किल्स देखकर प्रियल को कोई शक नहीं था कि साहिल ने ही वो पोस्ट डिलीट कर दी होगी। जरूर ये साहिल ने किया होगा, और कौन कर सकता है। साहिल कितना अच्छा है, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया। वो अजीब जरूर है, पर एक सच्चा केयरिंग फ्रेंड है जो कभी भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। यार मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, मैं कल उसे ऑफिस जाते ही थैंक यू करूंगी हेल्प के लिए, प्रियल कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए खुश होकर सोचती है। प्रियल काफी रिलीफ फील कर रही थी उस पोस्ट को वहां पर ना देखकर, पर फिर भी प्रियल को अभी भी टेंशन थी, क्योंकि जो उस पोस्ट का रूट कॉज था वो अभी भी प्रियल पर नजरें टिकाए हुए बैठा था, और वो थी अनोखी। प्रियल को मालूम था कि अनोखी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, वो जरूर कुछ ना कुछ और गेम प्लान जरूर कर रही होगी। वैसे तो प्रियल के लिए अनोखी के साथ डील करना काफी इजी था, पर जो इंसान उसका साथ दे रहा था वो प्रियल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, और वो थी उसकी खुद की कजन सिस्टर रिया। प्रियल ने कभी नहीं सोचा था कि रिया कभी भी उसके खिलाफ हो सकती है, वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से। रिया की जगह कोई और होता तो प्रियल शायद फिर भी उससे डील कर सकती थी, पर उसकी कजन रिया की फैमिली ने उसकी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया था उसके फादर की डेथ के बाद, और स्पेशली तब जब उसके फादर की डेथ हुई थी और उनकी कंपनी जो काफी अच्छी रन कर रही थी सडन लॉस में चली गई थी और वो लोग बैंकरप्ट हो गए थे। पैसा ना होने के बावजूद भी रिया के पापा यानी कि प्रियल के चाचा ने प्रियल की फैमिली की उस वक्त बहुत मदद की थी। प्रियल के चाचा प्रदीप ने प्रियल की मॉम दिव्या की हेल्प की थी उनका विला अच्छी कीमत पर सेल करवाने में, और फिर उन्होंने कंपनी का एक एक इक्विपमेंट सेल करके कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को कंपनसेशन और सैलरी पेड की थी। इवन प्रदीप ने अपनी खुद की जेब से प्रियल के फादर के सारे डेट्स पे किए थे ताकि प्रियल की फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। सारे डेट्स चुकाने के बाद प्रियल की फैमिली के पास खाना खाने और रेंट के लिए पैसे नहीं थे, तब भी प्रदीप ही थे जिन्होंने उनका बुरे वक्त में साथ दिया था। प्रियल की चाची भावना के इतना बुरा बोलने के बाद भी प्रियल और उसकी मॉम दिव्या सब चुपचाप सुन लिया करते थे, क्योंकि वो प्रदीप के एहसानों के नीचे दबे हुए थे और प्रदीप की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। प्रदीप के एहसान प्रियल को कभी रिया के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देने वाले थे, और ये सोच सोच कर ही प्रियल काफी कंफ्यूज थी कि वो अब क्या कर सकती है। प्रियल अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड कृतिका को कॉल लगाती है और उससे सारे इंसिडेंट शेयर करती है। प्रियल की सारी बातें सुनने के बाद कृतिका को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। प्रियल क्या तुम स्टुपिड हो? रिया तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करती, और उसके मन में स्टार्टिंग से ही तुम्हारे लिए नफरत थी, ना कि उस धोखेबाज वरुण की वजह से। रिया कभी एक अच्छी इंसान नहीं थी और वो हमेशा से ही बुरी है, और इस बार भी वो किसी बड़ी बात की वजह से तुमसे बदला ले रही है किसी के साथ मिलकर, कृतिका ने गुस्से से कहा। प्रियल तुम्हें रिया को अपनी वो पुरानी प्यारी कजन की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। तुम भी उसे उतनी आसानी से जाने मत देना। अगर वो तुम्हारा रिलेशन भूलकर इतना गिर सकती है तो फिर तुम क्यों नहीं। तुम्हें भी उसे सबक सिखाना होगा।
कृतिका ने प्रियल को अपनी लाउड वॉइस में समझाते हुए कहा। प्रियल चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी बेस्ट फ्रेंड कृतिका की डांट सुन रही थी। पर कृतिका, मेरे चाचा की फैमिली, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, प्रियल ने कृतिका को बीच में रोककर समझाते हुए कहा। प्रियल, उनका बिहेवियर तुम्हारी फैमिली के साथ अलग बात है और रिया का तुम्हारे अगेंस्ट गेम खेलना अलग। तुम्हें अंदाजा भी है वो पोस्ट तुम्हारे लिए कितना बुरा था। तुम्हें जो करना है वो तुम करोगी बिना अपने चाचा के बारे में सोचे। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ पर मुझे तुम्हारे चाचा भी ठीक नहीं लगते। मे बी उनका तुम्हारी मदद करने पर भी कोई बड़ा मकसद रहा होगा। तुम्हारे चाचा के साथ भी कुछ तो ठीक नहीं है, कृतिका ने प्रियल को समझाते हुए कहा। ठीक है मेरी माँ, तुम ऐसे ही सोचती रहोगी ना तो तुम्हें तो पूरी दुनिया के साथ कुछ ना कुछ गलत लगता रहेगा, प्रियल कृतिका की उसके चाचा वाली बात पर मजाक में हंसते हुए कहती है। प्रियल, मैं सीरियस हूं, मैं जो भी कह रही हूं वो फैक्ट है। तुम ही बताओ मुझे, अगर वो सच में तुम्हारी फैमिली की मदद करना चाहते थे तो उन्होंने तुम्हारी कॉलेज की फीस क्यों नहीं भरी? अगर वो तुम्हारी कॉलेज की फीस भर देते तो आज तुम रुको कृतिका, हम लोग पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं और मेरी मॉम प्रदीप चाचा की और हेल्प लेकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इवन तुम्हें याद है ना कि हमने तुम्हारी फैमिली से भी हेल्प लेने के लिए मना कर दिया था, प्रियल ने कृतिका को बीच में रोकते हुए कहा। ठीक है, तुम बहुत अनोइंग हो प्रियल, तुम में इतना पेशेंस आया कहां से, कृतिका ने प्रियल को इतना अच्छा स्वीट साउंड करते हुए कहा। ऑफ कोर्स, मेरे डैड से, प्रियल ने प्राउडली हंसते हुए कहा। सच में तुम अपने डैड पर ही गई हो, कृतिका ने स्वीटली कहा। अच्छा, तुम्हें अभी भी मेरे डैड याद हैं, कृतिका का कमेंट सुनकर प्रियल ने क्यूरियस होकर पूछा। ऑफ कोर्स यार, तुम्हारे डैड तो मेरे लिए प्रिंस चार्मिंग हुआ करते थे, वो इतने हैंडसम, स्मार्ट और कूल थे। तुम्हें अपनी दोस्त बनाने का सबसे बड़ा रीजन तुम्हारे डैड ही तो थे, कृतिका ने हंसते हुए कहा। फिर तो मुझे डैड को थैंक यू करना चाहिए कि उनकी वजह से मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी दोस्त मिली, प्रियल ने कृतिका की बात सुनकर हंसते हुए कहा। हाँ वो तो है, कृतिका ने भी हंसते हुए रिप्लाई किया। अच्छा कृतिका, अगर मेरे डैड पहले तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग थे तो फिर अब तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग कौन है? प्रियल ने टॉपिक चेंज करते हुए बात बदलकर कृतिका को टीज करते हुए कहा। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है अभी, कृतिका प्रियल का सडन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुनकर पॉज करते हुए आंसर देती है। ओ हेलो, अब तुम मुझसे मत छुपाओ, अच्छा होगा कि तुम मुझे अभी बता दो। बताओ कौन है तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग? मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम आजकल काफी वियर्ड बिहेव कर रही हो। अब बताओ जल्दी से, कौन है वो? क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रियल ने हंसते हुए कृतिका को टीज करते हुए कहा। सच में प्रियल, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और अगर होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी, कृतिका ने सीरियस होकर कहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं? मुझे पता है कोई तो है समवन स्पेशल तुम्हारी लाइफ में, है ना? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, प्रियल ने कृतिका की बात पर बिलीव ना करते हुए कहा। अच्छा बेटा, तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? हाँ, कृतिका ने बात बदलते हुए प्रियल से पूछा। और कृतिका की बात में हिडन क्लू भी था कि प्रियल जो कह रही थी वो कहीं ना कहीं सच था। कृतिका, मैं हमेशा से ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ओके? हम दोनों कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुम्हें कैसे नहीं समझूंगी। अच्छा बताओ, बातें बदलने की कोशिश मत करो और जल्दी से बताओ कि वो समवन स्पेशल कौन है और तुम दोनों कैसे, कब, कहां मिले, प्रियल ने कृतिका से टीजिंगली पूछा। कृतिका, मैं हमेशा से ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ओके? हम दोनों कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुम्हें कैसे नहीं समझूंगी। अच्छा बातें बदलना बंद करो और मुझे ये बताओ, कौन है वो समवन स्पेशल और तुम दोनों कैसे, कब, कहां मिले, प्रियल ने कृतिका से टीजिंगली पूछा। प्रियल सच में ये बात जानने के लिए एक्साइटेड थी कि उसकी देवी जैसी ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड को कैसा प्रिंस चार्मिंग मिला था। पर पता नहीं फोन की दूसरी तरफ अचानक से सन्नाटा छा गया। कृतिका एकदम साइलेंट हो गई। कृतिका, क्या हुआ, कहां गई तुम? दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आते देख प्रियल ने कंफ्यूजन में कृतिका को आवाज दी।
काफी देर कोई आवाज ना आने पर प्रियल कॉल कट करके कृतिका को फिर से कॉल डायल करने ही वाली थी, ये सोचकर कि मे बी कोई नेटवर्क इशू होगा, पर उससे पहले ही कृतिका बोलने लगी, वो एक बहुत बहुत अच्छा लड़का है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी जब हम शादी करेंगे, ठीक है, कृतिका ने कहा। कृतिका को इतना देर साइलेंट देखकर अचानक बोलते देख प्रियल काफी वियर्ड फील कर रही थी। न जाने क्यों प्रियल को कृतिका की बात बहुत ऑड लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। यार हम भी ना देखो बात क्या स्टार्ट की थी और किस टॉपिक पर आ गए, अब हमें सोचना चाहिए कि उस एनोइंग अनोखी से तुम कैसे डील करोगी और तुम्हारे उस हार्ड टू डील कजन से भी, कृतिका ने फिर से ओल्ड टॉपिक छेड़ते हुए कहा। प्रियल ने फिर से टेंशन में अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हुए कहा। प्रियल कृतिका को टीज करते करते सच में भूल गई थी कि उसकी लाइफ में अभी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वैसे तो ये सच है, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी काफी ज्यादा सुकून देती है और आप अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वैसे ये तो सच है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा समय बिताने को मिल जाए तो आपकी सारी दुख तकलीफ आप भूल जाते हो। कृतिका भी प्रियल की ऐसी ही बेस्ट फ्रेंड थी जिससे बात करके प्रियल काफी रिलैक्स्ड फील करती थी और अपने सारे दुख भूल जाया करती थी। पर प्रियल की प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। प्रियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी कजन सिस्टर रिया और अनोखी, अभी भी उनसे उसको डील करना था। आगे क्या होता है प्रियल की लाइफ में, क्या होगा प्रियल अनोखी और रिया के बीच में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रात में कृतिका के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करने के बाद आज सुबह प्रियल जब सोकर उठी तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रही थी। प्रियल अब बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं कर रही थी जैसे वो कंपनी के बेहुदा लोगों के कमेंट सुनकर कल फील कर रही थी। प्रियल आज काफी अच्छे मूड में थी, इसीलिए आज उसने अपनी रेड वी नेक बॉडी फिट ड्रेस वियर करने का डिसाइड किया, जो ड्रेस उसने लास्ट संडे अपनी क्लोज कलीग सोनाली के साथ परचेज की थी। प्रियल ने अपनी मैचिंग 6 इंचेस हील भी पहनी हुई थी जिसे परचेज करने के लिए सोनाली ने उसे काफी फोर्स किया था। अपनी हाई हील्स में आवाज करते हुए प्रियल सीईओ ऑफिस में एंटर करती है। मॉर्निंग, प्रियल अपने न्यू कलीग्स को चेयरफुली ग्रीट करते हुए जो ऑलरेडी अपने अपने वर्क स्टेशन पर बैठकर काम कर रहे थे उनको ग्रीट करती है। सारी सेक्रेटरीज प्रियल को फॉर्मेलिटी करते हुए ग्रीट बैक करती हैं। प्रियल के कल के रिएक्शन के बाद उन सेक्रेटरीज का डर और एंशियसनेस के मारे फॉर्मेलिटी करते हुए ग्रीट करना प्रियल को काफी ऑब्वियस लग रहा था। ये अनोखी खुद को सीईओ की वाइफ समझती है क्या? देखो ये आज भी हमेशा की तरह लेट है। प्रियल अपनी सीट पर बैठकर अपना सिस्टम ऑन कर रही थी कि उसने ये छोटे बालों वाली सेक्रेटरी को बोलते हुए सुना। ऑलरेडी ऑफिस का वर्क टाइम स्टार्ट हो गया था और अभी तक अनोखी ऑफिस में नहीं आई। हाँ हाँ लेट तो वो आएगी ही, सीईओ सर की मॉम की चमची जो है वो। हाँ मैंने भी सुना था कि अनोखी के सीईओ सर की मॉम अवंतिका मैम के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। सारी सेक्रेटरीज आपस में बात कर रही थी पर प्रियल को उनकी बात सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही ये जानने में कि अनोखी के सीईओ की मॉम के साथ कैसे रिलेशन है। प्रियल सारी सेक्रेटरीज को गॉसिप करते देख फील कर रही थी कि सीईओ सेक्रेटेरिएट में होना काफी आइडल है। प्रियल के अलावा वहां पर 4 सेक्रेटरीज और थी जिनमें से एक एब्सेंट थी या लेट थी और बाकियों को मिरर देखने से और गॉसिप करने से टाइम नहीं मिल रहा था। अब समझ आया कि रोहन ने मुझे यहां क्यों ट्रांसफर किया, ताकि वो मुझसे सारा काम करा सके, क्योंकि ये सब तो किसी काम की नहीं है। प्रियल सेक्रेटरीज को गॉसिप करते देख सोच रही थी। प्रियल अभी ये सब सोच ही रही थी कि छोटे बालों वाली सेक्रेटरी प्रियंका ने प्रियल को आवाज दी। प्रियल तुम एक बात बताओ, तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो थ्रेड कंपनी न्यूज फोरम में अनोखी ने पोस्ट किया था? प्रियंका ने प्रियल से क्यूरियस होकर पूछा। प्रियंका हमेशा गॉसिप में और कंपनी की सारी न्यूज कलेक्ट करने में काफी इंटरेस्टेड रहती थी और वो प्रियल के साथ इतना बड़ा स्कैंडल खुद की आंखों के सामने होते देख कैसे इंक्वायरी नहीं करती। प्रियल प्रियंका को सरप्राइजिंगली देख रही थी कि क्या रियली प्रियंका उसी से बात कर रही है? हाँ मैं श्योर हूं, मैंने उसे मेरी कजन के साथ प्राइवेट डाइनिंग रूम में डिनर करते देखा था। मैं मेरी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की मेरी क्लोज कलीग सोनाली के साथ वहां डिनर करने गई थी, प्रियल ने स्माइल करते हुए कहा। प्रियल ने जानबूझकर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी
ताकि वो उन्हें प्रूफ दिखा सके जो उसके पास थे और वो भी प्रियल पर ट्रस्ट कर पाए। अच्छा, इससे क्या प्रूफ होता है? प्रियंका ने फिर प्रियल की बात पर क्वेश्चन करते हुए पूछा। सारी सेक्रेटरीज प्रियल की बात सुनकर प्रियल को कंफ्यूजन में देख रही थी। अनोखी और मेरी कजन एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती है। कोइंसिडेंटली देखो, ये जो फोटो है ये अनोखी के साथ, ये मेरी कजन रिया है। प्रियल ने अपने बैग में फोटो निकालकर प्रियंका और बाकी सबको दिखाई। वाओ, प्रियंका ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ये न्यूज तीनों सेक्रेटरीज के लिए बॉम्ब जैसी थी, जिसे सुनकर वो तीनों काफी एक्साइटेड हो गई थी। प्रियल, मुझे ये बताओ, वो जो सब थ्रेड में था, क्या वो सब झूठ था? कर्ली हेयर वाली सेक्रेटरी ने प्रियल से पूछा। नहीं, सब झूठ नहीं था। मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, पर मैंने उसे पैसों के लिए कभी डंप नहीं किया था। इवन उसने मुझे डंप किया था। प्रियल ने तीनों सेक्रेटरीज को एक्सप्लेन किया, जो अपनी आंखों और कान गड़ाए बड़े इंटरेस्ट के साथ प्रियल की बात सुन रही थी। प्रियल ने उन्हें थ्रेड के बारे में सब गलत नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करती तो सबको लगता कि वो झूठ बोल रही है। इसीलिए प्रियल ने उन्हें सब सच सच बताने की कोशिश की। तुम लोग खुद ही सोचो, क्या तुम में से किसी को पहले से पता था कि सीईओ रोहन वर्मन मलिक रियल एस्टेट को एक्वायर करने वाले हैं? जब सीईओ सेक्रेटेरिएट होकर तुम लोगों को अपने न्यू सीईओ के बारे में नहीं पता, तो एक नॉर्मल असिस्टेंट होकर मुझे ये बताओ, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? प्रियल ने सीरियस होते हुए एक्सप्लेन करते हुए कहा। प्रियल की बात सुनकर सब सेक्रेटरीज को प्रियल के वर्ड्स उस थ्रेड से काफी ज्यादा सच लग रहे थे। अगर वो फोरम थ्रेड नहीं हुआ होता तो मैं कब का कंपनी से रिजाइन दे चुकी होती खुद ही। प्रियल ने अपना सबसे बड़ा हथियार उसके रेजिग्नेशन वाली बात को बताया, जब उसने देखा कि सेक्रेटरीज उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही। तुम लोगों ने खुद ही देखा था ना कि मैंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर दे भी दिया था, पर जब मैंने वो न्यूज फॉरम पढ़ी तो मुझे लगा, मैंने रियलाइज किया, मैं इस कंपनी से रिजाइन कर दूं तो लोग सोचेंगे कि मैंने वाकई में ही ये काम किया है। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। प्रियल ने सब सच सच कहा। सब सेक्रेटरीज प्रियल की बात सुनकर अपना सर हिला रही थी, जैसे कि उन्हें प्रियल के हर स्टेटमेंट के बाद उस पर बिलीव होता जा रहा था। पर तुम कंपनी से रिजाइन क्यों दे रही थी? प्रियंका ने क्वेश्चन किया। तुम लोगों को नहीं लगता कि सीईओ रोहन वर्मन ज्यादा अनोइंग और टेरिफाइंग है? प्रियल ने प्रियंका का क्वेश्चन सुनकर रिएक्ट किया। नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं, वो तो काफी सही है। तुमने देखा नहीं कितने हैंडसम है? हाँ सच में यार, मैंने कभी रोहन सर जैसा हैंडसम बॉस अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो कितने फ्लॉलेसली हैंडसम है यार। तीनों सेक्रेटरीज ने रोहन की एक्सट्रीम तारीफ की, जिसे सुनते हुए प्रियल को काफी अजीब लग रहा था। वो तुम्हें कहां से हैंडसम लगता है? प्रियल ने रोहन के बारे में सोचते हुए मुंह बनाकर कहा। ओ हेलो, तुम अपनी लिमिट में रहकर सीईओ सर के लिए कुछ बोलो। अपने हैंडसम सीईओ की बुराई सुनकर तीनों सेक्रेटरीज ने गुस्से में प्रियल को घूरते हुए कहा। प्रियल उन्हें गुस्सा करते देख बात संभालते हुए अपने वर्ड्स चेंज करती है। हाँ आई नो कि वो हैंडसम है, पर वो पूरे दिन अपने कोल्ड फेस में रहते हैं ना और गुस्सा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उनके एक्सप्रेशंस हमेशा कितने डार्क रहते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कुछ फील ही नहीं करते, एकदम रोबोट जैसे। उनके हैंडसम फेस के अलावा क्या है जिसमें उनको लाइक किया जाए? प्रियल ने अपनी बात बदलते हुए रोहन के लिए वो सब कहा जो वो फील करती थी, और इस बार तीनों सेक्रेटरीज उस पर गुस्सा करने की बजाय सर हिलाते हुए उसकी बात पर एग्री कर रही थी। ये तो सच था कि उनके सीईओ सर हैंडसम तो थे, पर उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जो एक आइडल बॉस जैसी होती है। प्रियल तीनों सेक्रेटरीज को उसकी बात पर एग्री करता देख रोहन की बुराई करना कंटिन्यू रखती है। मुझे तो लगता है कि उनके हैंडसम फेस के अलावा उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पसंद किया जाए। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही टेरिबल है, जिसे कोई भी लड़की टॉलरेट नहीं कर सकती, प्रियल ने कॉन्फिडेंटली फील करते हुए एक्सप्लेन किया। हाँ वैसे ये तो सच है, मुझे तो सीईओ सर बिल्कुल भी रोमांटिक या लविंग नहीं लगते। हाँ उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ यार, क्या पता उन्हें लड़कियों की बजाय लड़कों में इंटरेस्ट हो। तीनों सेक्रेटरीज ने प्रियल की बात पर अपने अपने कॉन्क्लूजन के बेसिस पर कॉमेंट्स किए। तीनों सेक्रेटरीज को अपनी बात पर एग्री होते देख प्रियल काफी खुश थी। प्रियल को पता था कि तीनों सेक्रेटरीज के रोहन के लिए कॉन्क्लूजन सच नहीं थे,
मगर फिर भी प्रियल उसे इग्नोर करते हुए उनके कमेंट्स पर अपना फुल अप्रूवल देती है। हाँ हाँ, जो तुम कह रही हो मुझे भी सेम वैसे ही लगता है। उस एनोइंग सीईओ रोहन की पर्सनालिटी काफी टेरिबल है, वो एक डिफेक्टिव इंसान है। क्या पता तुम लोगों ने जो अभी उनके लिए कहा वो सब एक्चुअली सच ही हो। प्रियल अंदर ही अंदर खुश होते हुए रोहन की जमकर बुराई कर रही थी। किसने कहा था मेरे से पंगा लेने के लिए, अब देखना लोग तुम्हें भी बुली करेंगे। प्रियल मनी मन मुस्कुराते हुए सोचने लगी। प्रियल रोहन के खिलाफ बोलने में इतना खो गई थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि तीनों सेक्रेटरीज चुप हो गई थी और पूरे ऑफिस में साइलेंस के अलावा और कुछ नहीं था। प्रियल ने रियलाइज किया कि सब चुप हो गए थे। प्रियंका प्रियल को देखकर खांसी करने लगी, जिसे देखकर प्रियल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रियल ने सडनली पीछे टर्न करके देखा और पीछे मुड़ते ही प्रियल ने रोहन का डार्क एक्सप्रेशन देते हुए गुस्से भरा चेहरा देखा, जो प्रियल को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए घूर रहा था। प्रियल शर्मा, मेरे कैबिन में आओ, रोहन ने अपनी हार्श वॉइस में प्रियल को ऑर्डर दिया। हे भगवान, फिर से मैं पकड़ी गई। प्रियल ने रोहन का डार्क एनोइंग फेस देखते हुए सोचा। प्रियल की सीईओ ऑफिस में फिर से सीईओ की बुराई करने की बेवकूफी प्रियल की लाइफ में कंफर्म कोई नया सीन क्रिएट करने वाली थी, लेकिन वो सीन आपको देगा फुल एंटरटेनमेंट। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी अमन के साथ। प्रियल रोहन को फॉलो करते हुए पीछे पीछे उसके केबिन में जाती है और केबिन में एंटर करते हुए केबिन का डोर क्लोज करती है। प्रियल अपना सर झुकाए रोहन से नजरें चुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। प्रियल, तुझे किसने कहा था अपनी इतनी चीप बकवास करने के लिए, देख तू फिर पकड़ी गई, पता नहीं इसने कितना और क्या सुना होगा। प्रियल गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी। इधर आओ, रोहन ने अपनी कोल्ड वॉइस में ऑर्डर दिया। रोहन प्रियल को अपनी आईब्रोज उठाते हुए देखने लगा, जब उसने देखा कि प्रियल कैसे चुपचाप कायर की तरह सर झुकाए खड़ी थी। प्रियल को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची ने कोई गलती की है और वो डर के मारे सहमी हुई खड़ी है। प्रियल ने रोहन का ऑर्डर सुनकर धीरे से नजरें ऊपर उठाकर देखा और वो रोहन के गुस्से वाले चेहरे को देखकर खुद पर बहुत बड़ा डिजास्टर आता महसूस कर रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि इतना डिस्टेंस काफी है सीईओ सर, प्रियल ने रोहन के भयंकर एक्सप्रेशन देखकर घबराते हुए कहा। मैंने कहा इधर आओ, तुम मुझे तीसरी बार ये कहने पर मजबूर मत करना, ठीक है, रोहन ने प्रियल को घूरते हुए गुस्से से कहा। रोहन की आंखें देखकर नोटिस किया जा सकता था कि उसका गुस्से का पारा और चढ़ रहा था। रोहन को गुस्से में फिर रिपीट करते देख प्रियल ने घबराते हुए कहा और रोहन की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। प्रियल कछुए की चाल एक दो कदम धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रही थी। रोहन प्रियल को इतनी धीरे धीरे पास आता देख गुस्से में खुद अपना बड़ा कदम लेकर प्रियल के पास जाता है। प्रियल जैसे ही अपना सर उठाकर देखती है तो वो एकदम से रोहन का फेस खुद के फेस से काफी नजदीक देखकर घबराते हुए अपने कदम पीछे कर लेती है। पर जितना फास्ट रिएक्शन प्रियल का था उससे कहीं ज्यादा फास्ट रिएक्शन रोहन का होता है और रोहन जोर से प्रियल का हाथ पकड़कर प्रियल को खुद के करीब खींच लेता है। रोहन के एकदम से प्रियल को खुद को खींच लेने की वजह से न सिर्फ रोहन और प्रियल के बीच का सेफ डिस्टेंस खत्म हो गया था, बल्कि प्रियल इस पोजीशन में आ गई थी कि वो रोहन के बेहद नजदीक थी। रोहन प्रियल के इतने करीब था कि प्रियल का फोरहेड रोहन के चिन से टच हो रहा था, जिसकी वजह से प्रियल ऑलमोस्ट रोहन के चेस्ट पर लीन हो गई थी। तुम बेशर्म वॉलेंट इंसान, मुझे छोड़ो, प्रियल ने रोहन को पुश करते हुए कहा, पर रोहन के स्ट्रॉन्ग होल्ड के सामने प्रियल की एनर्जी कुछ नहीं कर पा रही थी। रोहन को खुद से इतना करीब देखकर प्रियल के चीक्स एकदम से लाल हो गए थे। प्रियल रोहन के शैम्पू और शार जेल की फ्रेग्रेंस को फील कर सकती थी। प्रियल को इतना नर्वस देखते हुए रोहन के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई थी। रोहन को पहली बार स्माइल करते देख प्रियल दंग रह गई थी। खुद को डेंजर में देखकर तुम मुझे वॉयलेंट कह रही हो, रोहन ने धीमे से प्रियल के कानों में कहा। हाँ मैं गलत थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ओके, पर अब मुझे प्लीज जाने दो, प्रियल ने अपने होंठ चबाते हुए धीमे से गुस्सा करते हुए रोहन को कहा। प्रियल का अपने लाल होंठों को घबराहट में अपने स्नो व्हाइट टीथ से बाइट करना प्रियल के ड्राई लिप्स को काफी मॉइस्ट दिखा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा सेडक्टिव और अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रियल अपना सर उठाते हुए रोहन को देखती है
और रोहन प्रियल के मॉइस्ट रेड लिप्स और डीप वी नेक ड्रेस में प्रियल की नेक लाइन और कॉलर बोन को देखकर काफी ज्यादा सेडक्टिव फील कर रहा था। प्रियल रोहन को खुद की तरफ इतना सेडक्टिवली देखते देख बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। प्रियल को इतना पास देखकर रोहन को उस रात का बाथरूम सीन याद आ गया था, जिसे याद करते हुए रोहन और ज्यादा बहक गया था। रोहन ने जोर से प्रियल को खुद के और नजदीक खींच लिया था और अपनी ग्रिप और टाइट कर ली थी। आउच, तुम मुझसे बात करने से पहले क्या मेरा हाथ छोड़ोगे? प्रियल ने रोहन को गुस्से से घूरते हुए कहा। रोहन की ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट थी कि प्रियल के हाथ में दर्द हो रहा था। मैंने इससे माफी भी मांग ली, पर अभी मुझे जाने नहीं दे रहा, प्रियल गुस्सा करते हुए सोचने लगी। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझ में डिफेक्ट है, मैं सेक्सुअली इनकॉम्पिटेंट हूं। क्या मुझे ये सब तुम्हें बताने की जरूरत है? क्या तुम्हें ये सब मैं फिर से याद दिलाऊं? रोहन ने अपने लिप्स प्रियल के कान में टच करते हुए अपने सेडक्टिव वॉइस में कहा। रोहन की बात सुनकर प्रियल के कान एकदम लाल पड़ गए थे। इवन प्रियल पूरी ही लाल पड़ गई थी और वो पूरा ब्लैंक थी। शायद रोहन के सेडक्टिव आवाज सुनकर प्रियल भी बहक गई थी और ब्लैंक हो गई थी। हे, रोहन प्रियल को होश में लाते हुए अपनी लो सेडक्टिव वॉइस में कहता है। प्रियल रोहन की वॉइस सुनकर होश में आ गई और बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। कुछ देर के लिए ही उस एनोइंग आदमी में चार्म तो दिखा। उसको वो सेडक्टिव वर्ड्स कहने पर प्रियल रोहन पर गुस्सा कर रही थी। तुम बेशर्म वॉयलेंट इंसान, मुझे छोड़ दो, प्रियल ने गुस्से में अपने दांत घिसते हुए रोहन को अपनी वाइड आईज से घूर कर कहा। प्रियल एक तरफ तो रोहन को गुस्से में घूर रही थी, पर दूसरी तरफ प्रियल रोहन को इतना करीब देखकर काफी ज्यादा एंबैरेसिंग और नर्वस फील कर रही थी। और रोहन साफ साफ प्रियल के रेड चीक्स देखकर उसकी नर्वसनेस को फील कर सकता था। मैंने कहा था कि मुझे ये दोबारा मत कहना, रोहन ने प्रियल को अपना एंग्री लुक देते हुए कहा। उसके फेस पर अभी भी इविल स्माइल थी। यू पर्वर्ट, मुझे छोड़ो, बेशर्म इंसान, बेशर्म, जाहिल, बदतमीज, छोड़ो मुझे। रोहन को स्माइल करता देख प्रियल को बहुत गुस्सा आ रहा था और जानबूझकर रोहन को उसके मना करने के बाद भी उसे वो सब कहे जा रही थी जो रोहन ने उसे कहने के लिए सख्त मना किया था। प्रियल गुस्से में अपना पूरा दम लगाते हुए रोहन को धक्का देती है, पर इस बार रोहन उसका हाथ छोड़कर उसे अपनी आम से घेरते हुए कस कर पकड़ लेता है। रोहन ने कस कर अपने आम से प्रियल की वेस्ट को पकड़ रखा था और खुद बेंड डाउन होकर प्रियल के फेस के बेहद नजदीक आ गया था। रोहन के लिप्स ऑलमोस्ट प्रियल के लिप्स को टच करने ही वाले थे और प्रियल रोहन को इतना नजदीक आते देख बहुत गुस्से में थी। प्रियल सडनली रोहन के गर्म होठों को खुद के होठों पर महसूस करती थी, जिसे महसूस करते हुए प्रियल के तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूं कि जब कोई चाहे मुझे हग कर ले या किस कर ले? आखिरकार हमारा रिलेशन क्या है? प्रियल रोहन पर गुस्सा करते हुए सोच रही थी और खुद को उससे दूर करना चाहती थी, पर रोहन की टाइट ग्रिप ने प्रियल को मजबूर कर दिया था। प्रियल को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि फॉरम थ्रेड के बाद सबको प्रियल के सिचुएशन का पता था, पर सब सच जानने के बाद भी रोहन ने उसके डिफेंस में कुछ नहीं कहा था और अब बजाय उसको इनोसेंट प्रूफ करने के वो उसके साथ ऐसे बिहेवियर करके प्रियल का एडवांटेज ले रहा था। ये बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा, प्रियल गुस्से में लाल होते हुए सोच रही थी और वो गुस्से में रोहन की आम से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब पूरा दम लगाने के बाद भी प्रियल रोहन की आम से खुद को नहीं छुड़ा पाई तो प्रियल ने गुस्से में अपने फ्री हैंड्स को रोहन के चेस्ट पर रखते हुए उसे पुश करना स्टार्ट किया। प्रियल को धक्का देते देख रोहन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और गुस्से में रोहन की सॉफ्ट लाइट किस अब और ज्यादा वाइल्ड हो गई थी और रोहन ने इस बार उसे और ज्यादा टाइट पकड़ लिया। रोहन प्रियल को उस पर गुस्सा निकालते देख और ज्यादा वायलेंट हो गया था और अब उसने प्रियल को जेंटली ट्रीट करना बंद कर दिया था। रोहन की किस और ज्यादा वाइल्ड और सेडक्टिव हो गई थी। रोहन फोर्सफुली अपनी टंग से प्रियल के लिप्स को सेपरेट करते हुए उसे फ्रेंच किस करता है। प्रियल रोहन को उस फ्रेंच किस करता देख दंग रह गई थी। प्रियल एकदम से अपने सेंसेस में आकर खुद को रोहन से प्रिवेंट करने के लिए अपने स्नो व्हाइट टीथ से रोहन के लिप को बाइट करने की कोशिश करती है,
पर रोहन भी अपना फास्ट रिएक्शन देते हुए प्रियल की लोअर जॉ को कसकर अपने पाम से पकड़ लेता है ताकि वो उसे बाइट ना कर सके। प्रियल गुस्से में रोहन को बाइट करने की कोशिश कर रही थी पर वो रोहन के एक्शंस और पावर के सामने बिल्कुल वीक थी। रोहन का कसकर प्रियल को किस करना प्रियल को और ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। प्रियल चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी और वो सब उसको बर्दाश्त करना ही था। जितना प्रियल वीक होकर रोहन को वो सब करने दे रही थी रोहन उतना ही ज्यादा एग्रेसिवली प्रियल को किस किए जा रहा था। मैंने तो उसके लिए थोड़ा सा बुरा कहा था और मैंने उसके लिए उससे माफी भी मांग ली थी तो इसे क्या राइट है मुझे इस तरीके से ट्रीट करने का। हमारा क्या रिलेशन है, ना हमारा कुछ रिश्ता है और ना ही ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसे क्या हक है मुझे यू किस करने का, ब्लडी बास्टर्ड। प्रियल हेल्पलेसली रोहन को गुस्से से मन ही मन कहे जा रही थी और वैसे भी प्रियल इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी क्योंकि रोहन के सामने प्रियल काफी वीक पड़ गई थी और वो उसे टॉलरेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी चाहे वो गुस्से में जल भुन भी क्यों ना रही हो। इतनी देर रोहन का वाइल्ड सेडक्टिव बिहेवियर टॉलरेट करने की वजह से हेल्पलेस प्रियल की आंखें आंसुओं से भर गई थी और सडनली वो खुद को आंसू बहने से रोक नहीं पाई। प्रियल के आंसुओं से प्रियल का चेहरा और मासूम और चार्मिंग लग रहा था। रोहन प्रियल को किस किए जा रहा था और अचानक बाहर से केबिन का डोर ओपन होने की आवाज आई। रोहन का प्रियल पर इस सेडक्टिव मूव के बाद पता नहीं प्रियल का क्या रिएक्शन होने वाला था पर इतना जरूर कंफर्म था कि आगे कहानी रोमांस और ड्रामों से भरपूर होगी। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी अमन के साथ। ओ गॉड, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूं। रोहन के केबिन का वुडन डोर बाहर से ओपन था और वहां से एक टीजिंग वॉइस आई। रोहन सडनली केबिन के बाहर से आवाज आते सुन प्रियल पर से अपना कॉन्सेंट्रेशन खोते हुए प्रियल को अपनी ग्रिप से रिलीज कर देता है। रोहन पहले ग्रिप रिलीज करता है उसके बाद उसके होंठ प्रियल के होंठों को खुद से दूर करते हैं जो प्रियल के रेड मॉइस्ट लिप्स से जरा भी दूर नहीं होना चाहते थे। बाहर से वो टीजिंग आवाज ने रोहन को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। जो आदमी डोर के बाहर खड़ा था और प्रियल को किस करते देख रहा था उसने जोर से चिल्लाते हुए टीजिंग वॉइस में प्रियल को टीज किया। प्रियल ये देखते हुए बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी और अब जैसे कि रोहन ने प्रियल को छोड़ दिया था तो प्रियल के हैंड्स भी फ्री थे और प्रियल ने जोर से गुस्से में रोहन को चांटा दे मारा। प्रियल के चांटा मारने की आवाज पूरे कैबिन में गूंज गई थी। ब्लडी बास्टर्ड, बदतमीज कहीं के, मैं अब हार मानती हूं, मुझे रेजिग्नेशन चाहिए। प्रियल ने अपनी आंसुओं से भरी गुस्से वाली आंखों के साथ रोहन को अपना फैसला सुनाते हुए कहा। प्रियल गुस्से से अपना फैसला सुनाकर रोते हुए कैबिन से बाहर जाने लगी। प्रियल के कसकर चांटा मारने की वजह से रोहन का फ्लॉलेस फेस डार्क पड़ गया था और उसके गाल पर प्रियल के हाथों का निशान छप गया था। रोहन की आंखें गुस्से से भर गई थी। किसी लड़की की आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कि वो रोहन को इस तरह से ट्रीट कर सके पर इस बार फिर प्रियल ने रोहन को एम्बैरेस कर दिया था। प्रियल का रोहन को बिना देखे उसे इग्नोर करता हुआ जाते देख रोहन प्रियल को और गुस्से से देख रहा था। प्रियल डोर से जैसे ही बाहर जा रही थी डोर के बाहर खड़े आदमी ने डोर पर लीन होते हुए प्लेफुल मैनर में प्रियल का रास्ता रोक लिया। वो आदमी रोहन का बेस्ट फ्रेंड आदित्य था जो प्रियल को बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी मैनर में देख रहा था। ओहो, यहां तुम हो, आदित्य ने टीजिंगली प्रियल को कहा। तुम सब एक जैसे बदतमीज हो, प्रियल ने रास्ता रोकते हुए आदित्य को कहा। तुम सबको एक जैसा बुरा मत समझा करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं एक जेंटलमैन हूं और आओ। आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रियल ने जोर से आदित्य के पैर पर अपनी हील्स वाली फीट से किक करते हुए जोर का मारा जिसकी वजह से आदित्य दर्द में चिल्लाने लगा और डोर से हट गया। आदित्य के हटते ही प्रियल बिना देरी करे केबिन से बाहर निकल गई। प्रियल रोहन का फेस चाटे से लाल करके और आदित्य को किक मारने के बाद उसको दर्द में बिलखता छोड़कर गुस्से से केबिन से बाहर निकल गई। वॉयलेंट, बेशरम, बदतमीज, ब्लडी बास्टर्ड, ये सारे आदमी ना एक जैसे होते हैं, बेहुदा। प्रियल अपनी आंसुओं से भरी आंखें पोंछते हुए गुस्से से आदित्य और रोहन के लिए अब्यूज करते हुए बाहर जा रही थी। प्रियल, क्या तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो?
दूसरी सेक्रेटरी ने प्रियल को गुस्से में रोते हुए देखकर पूछा। सारी सेक्रेटरीज प्रियल को रोता देखकर उसके लिए फिक्र जताते हुए उसे देखती हैं। सबको पता था कि उनके सीईओ सर कितने भयंकर थे, और फिर जब प्रियल जिसकी स्टुपिड बातें सीईओ ने सुन ली थी तो उसको बाद में ये सब तो फटकार मिलनी ही थी। प्रियल को पक्का ही रोहन सर ने बहुत बुरी तरह से डांट लगाई होगी, फिर उसने उसे ऑफिस से निकाल दिया होगा। प्रियल को यूं रोता और परेशान देख सेक्रेटरीज को प्रियल पर काफी तरस आ रहा था, और प्रियल को एक वीक लेडी समझते हुए उसे सिंपैथी दिखाते हुए वो ट्रीट कर रही थी। क्या हुआ प्रियल, क्या सीईओ सर ने तुम्हें डांटा? प्रियंका ने सिंपैथी दिखाते हुए प्रियल से पूछा। प्रियंका प्रियल को ऐसे देखते हुए बहुत बुरा फील कर रही थी, और स्पेशली तब जब उसने देखा कि प्रियल की आंखें और नाक एक साथ उसका पूरा मुंह लाल पड़ गया था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत डांट पड़ी थी। पर किसे पता था कि रोहन ने फोर्सफुली किस करके प्रियल के दांत गाल मुंह सब कुछ लाल कर दिए थे। प्रियंका का क्वेश्चन सुनकर प्रियल अपने आंसू पोंछने लगी। प्रियल ने रियलाइज नहीं किया था कि वो कब रोने लगी थी। नहीं, प्रियल ने अपना सर झुकाते हुए अपने आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए ये जवाब दिया, जैसे कि वो इस बारे में कोई और बात करना नहीं चाहती। शांत हो जाओ प्रियल, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम जानती हो ना हमारे सीईओ सर कैसे हैं, वो हमेशा ही प्रियंका प्रियल को दिलासे देते हुए कहती है, और जैसे ही वो अपने स्टेटमेंट में सीईओ की बुराई करने ही जा रही थी, उसे सीईओ का वो डरावना चेहरा याद आ गया। उसने प्रियल की तरह दोबारा सीईओ की बुराई करने का जुर्म नहीं किया और वो चुप हो गई। क्या सीईओ सर ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया? प्रियंका ने प्रियल से क्यूरियस होते हुए पूछा। प्रियंका के इस क्वेश्चन ने प्रियल को न जाने क्यों बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो मुझे निकालेगा? उसकी क्या औकात कि वो मुझे निकालेगा? मैं उसकी पोस्ट कंपनी छोड़कर जा रही हूं, वो नहीं मैं उसे अपनी लाइफ से निकाल रही हूं, प्रियल ने गुस्से में शाउट करते हुए कहा। प्रियल धीरे बोलो, तुम्हें अभी अभी डांट पड़ी है, तुम क्या फिर से डांट खाना चाहती हो? सारी सेक्रेटरीज ने प्रियल के लिप्स पर अपनी फिंगर्स रख के उसे धीरे से समझाते हुए कहा। मैं वैसे भी यहां पर काम नहीं करने वाली हूं, उसे जो करना है उसे करने दो, प्रियल ने गुस्से से प्रियंका की फिंगर अपने लिप से हटाते हुए कहा। प्रियल क्या तुम्हें लगता है कि आज के टाइम पर दूसरी जॉब मिलना इतना इजी है यार? सीईओ सेक्रेटेरिएट होने की वजह से हमारी सैलरी काफी ज्यादा और काम बहुत कम है, तो तुम्हें लगता है कि ऐसी जॉब हमें फिर दोबारा इजीली मिल पाएगी? सेक्रेटरीज ने प्रियल को समझाते हुए कहा। जो सेक्रेटरीज कल तक प्रियल को प्रवोक करते हुए कंपनी से निकालना चाहती थी, वो आज अपना बेस्ट एफर्ट देते हुए प्रियल को कंपनी ना छोड़ने के लिए समझा रही थी। तो क्या हुआ अगर मैं सैलरी ज्यादा नहीं लूं? तो मैं यहाँ काम करते हुए उस एनॉइंग बदतमीज आदमी का फेस और नहीं देखना चाहती हूँ, प्रियल ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से अपना डिसीजन सुनाया। प्रियल रोहन का थोड़ी देर पहले वाला वॉयलेंट बिहेवियर याद करते हुए बेहद गुस्से में थी। उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करने की? वो है कौन, बदतमीज जाहिल इंसान? प्रियल रोहन को मन ही मन गुस्से में ये कही जा रही थी। प्रियल गुस्से में अपने सामने से सेक्रेटरीज को हटाते हुए अपनी डेस्क पर रखा सारा सामान अपने हैंडबैग में डालने लगती है और वहां से जाने के लिए तैयार होती है। प्रियल बिना किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो किए अपने दिल की बात सुनती है। प्रियल अभी शांत हो जाओ, प्रियल थोड़ा शांत हो जाओ यार। सारी सेक्रेटरीज प्रियल को गुस्से में बिना रेजिग्नेशन के वहां से जाता देख प्रियल को एंशियसली समझाने लगती हैं। मेरा सर गुस्से से गर्म है और मैं अब यहां एक सेकंड भी नहीं रुकने वाली हूं, प्रियल गुस्से में ये कहते हुए अपना हैंडबैग उठाकर सीईओ ऑफिस से निकल जाती है। सारी सेक्रेटरीज प्रियल को ऐसा जाते देख एक दूसरे को देख रही थी। प्रियल का बिहेवियर देखकर सब सेक्रेटरीज को इतना तो समझ आ गया था कि प्रियल इम्पल्सिव और इम्पेशेंट जरूर थी, पर वो एक ऑनेस्ट लेडी थी जो कभी किसी का गलत बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करती थी, और फिर वो फोरम थ्रेड वो वैसे भी बहुत बड़ी बात थी। जहां प्रियल गुस्से से सीईओ ऑफिस से बाहर गई थी, वहीं दूसरी तरफ सीईओ कैबिन में रोहन और आदित्य दोनों प्रियल के करारे जवाब से बहुत गुस्से में थे। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर रोहन तुम सच में, खैर छोड़ो, तुम्हें और क्या कहूं, तुमने क्या उस हॉटशॉट प्रियल को देखा है? तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप की संस्कारी लड़की है? तुमने क्यों उसके साथ वो सब किया यार?
आदित्य ने रोहन को फॉर्मल एक्सप्रेशंस देते हुए कहा। प्रियल जैसी लड़कियों के दिमाग में एक यही बात होती है कि वो सिर्फ उनका बॉयफ्रेंड ही है जो उनको किस कर सकता है। मुझे तो लगता है वो कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव है, वो तो सिर्फ अपने फ्यूचर हस्बैंड को ही किस करने देगी। आदित्य प्रियल को सच में एक काफी शरीफ और इज्जतदार लड़की समझता था और रोहन के साथ उसे ऐसा करते देख उसे सच्ची लग रहा था कि उसने प्रियल के मोरल स्टैंडर्ड्स को ठेस पहुंचाई थी। रोहन आदित्य की बात सुनकर उसे गुस्से से अपनी आईब्रोज उठाकर देख रहा था। उसने मुझे भी किस किया था जब हम पहली बार मिले थे, रोहन ने गुस्से में आदित्य को घूरते हुए कहा। इसका मतलब ये कि वो उतनी कंजर्वेटिव नहीं है जितना तुम कह रहे हो और ना ही उतनी संस्कारी, रोहन ने आदित्य को अपना स्ट्रेट फेस लुक देते हुए कहा। यार क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मेरे भाई, प्रियल ने उस दिन ड्रिंक कर रखी थी ताकि वो अपना दर्द भुला सके जो उसे और आदमी या उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिला, और ड्रंक होने के बाद वो तुम्हारे साथ ये सब कर रही थी। मैं प्रियल जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, आदित्य ने रोहन को समझाते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर रोहन को अचानक उस लड़के का नाम याद आ रहा था जो प्रियल उस रात नशे में ले रही थी। जितना ज्यादा रोहन उस बात को याद कर रहा था उतना ही ज्यादा उसे और गुस्सा आ रहा था। क्या वो लड़की सच में किसी को पसंद करती थी? वो कैसे किसी और आदमी को पसंद कर सकती थी, रोहन गुस्से में सोचने लगा। प्रियल और रोहन दोनों ही भयंकर गुस्से में थे और न जाने इनका गुस्सा एक दूसरे पर कितना भारी पड़ने वाला था, पर ये निश्चित है कि इनका गुस्सा कहानी में एंटरटेनमेंट और रोमांस जरूर देगा। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम प्रियल के बारे में और जानने के लिए। प्रियल बेहद गुस्से में सीईओ ऑफिस के बाहर निकली थी कि उसे कुछ होश नहीं था कि वो कहां जा रही है। सडनली सीईओ ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकलते ही प्रियल के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी जिससे प्रियल को अचानक होश आता है और वो अपने सामने सुनसान खाली रोड देखती है। प्रियल को रियलाइज होता है कि दिन का समय था और अभी भी ऑफिस आवर्स चल रहे थे और इस वक्त वो अगर घर जाती तो उसकी मॉम परेशान हो जाती। प्रियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और क्या करे। प्रियल ब्लैंक फेस के साथ रोड कॉर्नर पर खड़ी थी तभी अचानक प्रियल को जानी पहचानी आवाज में किसी ने पुकारा। सोनाली तुम? प्रियल सोनाली की आवाज सुनकर होश में आते हुए उसे देखकर कहती है जो ऑफिस बिल्डिंग से भागते हुए प्रियल की तरफ हाफ कर जल्दी जल्दी आ रही थी। प्रियल क्या हुआ तुम्हें, सोनाली ने गहरी सांस लेते हुए प्रियल से कहा। सोनाली ने प्रियल को रोते हुए ऑफिस बिल्डिंग से निकलता हुआ देखा था इसीलिए वो प्रियल के लिए काफी वरिड होकर उसके पीछे आ गई थी। नहीं कुछ नहीं, प्रियल ने सॉफ्टली अपना सर हिलाते हुए कहा। प्रियल सोनाली को वो सब कैसे एक्सप्लेन कर सकती थी जो उसके साथ अभी हुआ था। बेवकूफ लड़की तुम कह क्या रही हो, कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम रोते हुए ऑफिस से भागकर बाहर क्यों आ गई थी, सोनाली ने प्रियल के लिए कंसर्न दिखाते हुए कहा। कहीं तुम अपनी न्यू कलीग्स के बिहेवियर और उस फोरम थ्रेड वाले पोस्ट की वजह से परेशान तो नहीं होना, सोनाली ने गेस करते हुए पूछा। प्रियल सोनाली की बात पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब प्रियल का सोनाली की बातों पर कोई रेस्पॉन्स नहीं था तो उसे लगा कि उसका गेस करना शायद सही है। प्रियल ये तो इतनी सी बात है यार, मैंने आज सुबह ही देखा किसी ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया, तुम अब ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, ये बात अब बीत चुकी है तो उसे जाने दो, सोनाली ने प्रियल को प्यार से समझाते हुए कहा। हाँ, प्रियल ने मायूस होकर अपना सर बच्चों की तरह हिलाते हुए कहा। चलो अगर तुम मेरी बात समझ गई हो तो वापस ऑफिस जाकर काम पर लग जाओ, ये अपने बच्चों वाले टैंट्रम्स दिखाना बंद करो, सोनाली ने स्माइल के साथ प्रियल को कहा। वापस जाऊं? सडनली वापस जाने के नाम पर प्रियल के सामने रोहन का अनोइंग डेविल स्माइल वाला फेस आ गया। नहीं 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 सोनाली, अब मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती, प्रियल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। प्रियल मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ काम करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन हमेशा खराब होता है, तुम मत भूलो कि तुम्हारा कंपनी छोड़कर जाना कुछ लोगों को अपने मकसद में कामयाब कर सकता है और वो लोग यही चाहते हैं कि तुम कंपनी छोड़ दो, सोनाली ने प्यार से प्रियल को समझाते हुए कहा। जब से रोहन वर्मन ने मलिक रियल एस्टेट एक्वायर किया था तब से बहुत सारे लोग
कंपनी में एंटर करने का ट्राई कर रहे थे और यहाँ प्रियल को कंपनी ज्वाइन करने के फर्स्ट मंथ के बाद ही डायरेक्ट सीईओ की सेक्रेटेरिएट बना दिया गया था और कौन सा एम्प्लॉय सीईओ के साथ काम करने की ये अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहता था। सोनाली को पता था कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सोनाली खुद भी इस पोस्ट को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी और वो कैसे प्रियल को ये बेवकूफी भरा डिसीजन लेकर उसे पोस्ट और अपॉर्चुनिटी छोड़ते हुए देख सकती थी। प्रियल सोनाली की बात सुनकर ब्लैंक पड़ गई थी। प्रियल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जहां कंपनी में रहकर उसे हर रोज एनॉइंग आदमी रोहन से डील करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंपनी से रिजाइन करने पर वो अनोखी और रिया और उन सभी लोगों के इरादों में उनको कामयाब करने का मौका दे रही थी। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम इस वक्त बहुत प्रेशर में हो, इसीलिए आज के लिए तुम घर जाओ और रेस्ट करो। मैं तुम्हारा आज का लीव एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी। तुम कल से काम पर आना फ्रेश मूड के साथ। परेशान ब्लैंक प्रियल को देखकर सोनाली ने प्रियल को समझाते हुए कहा, सोनाली थैंक यू सो मच मेरी इतनी फिक्र करने के लिए यार। सोनाली के स्वीट जेस्चर को देखकर प्रियल ने अपना सर उठाकर प्यार से सोनाली को देखते हुए कहा, पागल लड़की अब ज्यादा मत सोचो और घर जाकर आराम करो ताकि तुम कल अपनी फुल एनर्जी में काम पर लग सको। सोनाली ने प्रियल के शोल्डर पर प्यार से रब करते हुए प्रियल से कहा, हाँ सोनाली। प्रियल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दूसरी तरफ रोहन अभी भी गुस्से में डोर की तरफ देखते हुए खोया हुआ था। क्या हुआ दोस्त, क्या देख रहे हो? वो ऑलरेडी जा चुकी है। आदित्य ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए गुस्से से भरे रोहन को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो तो तुम्हें उसके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, आदित्य ने रोहन को कहा। आदित्य की बात सुनकर रोहन ने गुस्से से आदित्य का हाथ अपने कंधे से हटाकर पीछे टर्न किया, ये प्रिटेंड करते हुए कि जैसे उसे प्रियल या उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं इस बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता, पर सच कहूं तो इस वक्त वो हॉटशॉट प्रियल बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड और ट्रॉमा से गुजर रही थी और उसके बावजूद तुमने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि उसने तुम्हें चाटा मारा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी तुम्हें चाटा लगाता, आदित्य रोहन को गुस्से से भड़कता देखकर प्रियल के फेवर में कहे जा रहा था। क्या तुम्हारे पास और कोई ढंग का काम नहीं है करने के लिए? आदित्य के मुंह से प्रियल के लिए इतनी सारी बात सुनकर रोहन ने आदित्य पर गुस्से से भड़कते हुए कहा, मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है करने को। रोहन को उस पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालते देख आदित्य ने भी बिना डरे रोहन को यह बात कह दी, मुझे काम करना है। रोहन अपनी सीट पर बैठकर आदित्य को टोटली इग्नोर करते हुए काम करने लगता है और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन सामने रखी फाइल्स पर लगाता है। यार रोहन, मुझे लगता है कि तुम्हें प्रियल से माफी मांगनी चाहिए, मुझे नहीं लगता वो काम पर अब वापस आएगी। रोहन के आदित्य को इग्नोर करने के बाद भी आदित्य ने बिना डिसरेस्पेक्टेड फील किए एक अच्छे दोस्त की तरह रोहन को एडवाइस किया, वो वापस आए या नहीं वो उसका खुद का डिसीजन है। रोहन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपना सर झुकाकर हाथों में पेन पकड़े हुए अपना काम करते हुए आदित्य को रिप्लाई किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आदित्य ने रोहन का केयर फ्री बिहेवियर देखकर रोहन को घूरते हुए कहा, छोड़ो यार मुझे कुछ जानना भी नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। रोहन को उसे इग्नोर करते हुए देखकर अपना काम करते देख आदित्य गुस्से में रोहन को कहता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया। रोहन आदित्य के जाते ही डोर क्लोज होने की आवाज सुनकर ऊपर देखता है और अपने सामने रखी कॉन्टैक्ट फाइल्स को क्लोज करके अपनी डेस्क की राइट ड्रॉर ओपन करके उसमें रखी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालता है, जिसमें एग्जैक्टली प्रिटी तो नहीं पर एक स्माइलिंग लड़की का फेस था और वो लड़की थी प्रियल। प्रियल का फेस देखकर रोहन के एक्सप्रेशंस काफी डार्क हो गए थे। यहां सोनाली के जाने के बाद प्रियल घर जाने की बजाय पैदल पैदल वॉक करते हुए बर्सलिंग सड़क पर टहल रही थी। रास्ते में काफी सारी शॉप्स और लोगों को देखकर प्रियल थोड़ा काम फील कर रही थी। ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था और प्रियल को सामने एक नूडल्स शॉप दिख रही थी। ये देखकर उसे अपना फेवरेट रेस्टोरेंट का याद आया जहां प्रियल अपने एक्स बॉयफ्रेंड वरुण के साथ नूडल्स खाने जाया करती थी। वैसे तो उस रेस्टोरेंट के नूडल का टेस्ट काफी नॉर्मल था, बट स्टिल प्रियल को वहां जाकर नूडल्स खाना बहुत पसंद था। जब से वरुण गायब हो गया था तब से प्रियल ने उस रेस्टोरेंट में विजिट करना बंद कर दिया था।
मैं क्यों उस धोखेबाज आदमी की वजह से अपनी फेवरेट प्लेस अवॉइड करूं? प्रियल ने खुद पर गुस्सा करते हुए खुद को समझाया। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज उसी रेस्टोरेंट में जाकर अपना लंच करूंगी। प्रियल ने खुद को काम करते हुए अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहा। प्रियल ने थोड़ा आगे जाते हुए हाथ देकर टैक्सी रोकी और टैक्सी में बैठकर टैक्सी ड्राइवर को उस रेस्टोरेंट की लोकेशन बताई। उसी वक्त दूसरी तरफ रोहन गुस्से में अपने फोन की तरफ देखते हुए गुस्से में लाल पीला हो रखा था। रोहन अपना फोन टेबल पर रखते हुए आदित्य की बातों को याद कर रहा था। आदित्य का यह कहना कि प्रियल अब शायद कभी वापस नहीं आएगी रोहन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था और वो बस यही सोचे जा रहा था कि अगर नहीं आई तो क्या होगा। रोहन गुस्से में अपना फोन टाइटली पकड़ते हुए फोन स्क्रीन पर कुछ कर रहा था और उसने एकदम से सेंड बटन प्रेस किया। रोहन प्रियल के जाने के बाद काफी परेशान था, पर उसके चेहरे को देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि वो परेशान है। रोहन का गुस्सा उसे क्या कदम उठाने पर मजबूर कर देगा, ये जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा पॉकेट एफएम। प्रियल के बारे में और जानने के लिए प्रियल टैक्सी में बैठे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंची, जहां वो काफी वक्त बाद आई थी। इतने सालों बाद भी वो रेस्टोरेंट रन कर रहा था और इवन अभी तक रेस्टोरेंट का आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही था। ये जगह अभी भी वैसी ही है, प्रियल ने रेस्टोरेंट को बाहर से देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा। वैसे तो रेस्टोरेंट का एक्सटीरियर अपीयरेंस वही पुराना था, पर रेस्टोरेंट का इंटीरियर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था और कहा जाए तो रेस्टोरेंट ऑनर के अलावा सब कुछ बदल चुका था। प्रियल रेस्टोरेंट का नया लुक और नया स्टाफ देखकर काफी डिसअपॉइंट थी। प्रियल काफी कंफ्यूज थी कि अभी भी इस रेस्टोरेंट के खाने का टेस्ट क्या वैसा ही होगा जैसा उसको पसंद था। वेटर, एक स्पाइसी चिली गार्लिक नूडल्स का बड़ा बाउल प्लीज। प्रियल ने विंडो के पास वाली सीट को ऑक्यूपाई करते हुए वेटर को अपने फेवरेट नूडल्स का ऑर्डर दिया। ओके मैम, वन चिली गार्लिक नूडल्स, और इसके अलावा और क्या लेना पसंद करेंगी आप? वेटर ने स्माइल के साथ प्रियल से पूछा। कुछ और, प्रियल कहते हुए उस रेस्टोरेंट के फ्रेंच फ्राइज को याद करने लगी जो वरुण हमेशा हर विजिट में ऑर्डर किया करता था। हाँ, वन प्लेट फ्रेंच फ्राइज, प्रियल ने बिना सोचे समझे वरुण का फेवरेट स्नैक याद करते हुए ऑर्डर कर दिया। ओके मैम, प्रियल का ऑर्डर सुनकर वेटर ने जल्दी जल्दी प्रियल का वो ऑर्डर नोट डाउन किया। प्रियल अचानक से सेंसेस में आते हुए वरुण का फेवरेट स्नैक ऑर्डर करने के लिए रिग्रेट फील कर रही थी और वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहती थी, पर जब प्रियल ने देखा कि वेटर ने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है तो प्रियल ने ऑर्डर कैंसिल ना करने का डिसाइड किया। छोड़ प्रियल, वैसे भी फ्रेंच फ्राइज ज्यादा कॉस्टली नहीं है और फिर यहाँ के फ्रेंच फ्राइज काफी टेस्टी भी तो है। प्रियल ने मन में उस रेस्टोरेंट के फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट याद करते हुए सोचा। रेस्टोरेंट का बिजनेस अभी भी पहले जैसा काफी अच्छा चल रहा था और वहां लंच टाइम था तो वहां क्राउड भी बहुत ज्यादा था। जब तक प्रियल का ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा था, प्रियल बोर होते हुए बाकी के कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रही थी। प्रियल ने देखा कि मोस्टली लोगों ने वहां सेम ऑर्डर किया था। सबको नूडल्स ऑर्डर करता देख प्रियल काफी अश्योर हो गई थी कि अभी भी इस रेस्टोरेंट के नूडल्स का टेस्ट पहले जैसा डिलीशियस ही होगा। सडनली प्रियल का फोन सिंगल रैंग के साथ वाइब्रेट हुआ, जिसकी वजह से उसका ध्यान उसके सेलफोन पर गया। ये किसका नंबर है? प्रियल ने क्यूरियोसिटी के साथ अननोन नंबर से आया मैसेज ओपन करते हुए सोचा। मैसेज में लिखा था, अपनी जॉब वेस्ट मत करो, काम पर वापस आओ। ये मैसेज पढ़कर सडनली प्रियल को रोहन का नाम अपने माइंड में हिट हुआ, क्योंकि पूरी कंपनी में उससे इस तरीके से वो अनोइंग आदमी ही मैसेज कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी, प्रियल ने रोहन का काफी डायरेक्ट अनोइंग मैसेज पढ़कर गुस्सा करते हुए खुद से कहा। प्रियल गुस्से में रोहन का मैसेज इग्नोर करते हुए फोन साइड में रख ही रही थी कि एक दूसरे अननोन नंबर से फिर मैसेज आता है। प्रियल इतने गुस्से में थी कि उसने वो मैसेज भी इग्नोर करते हुए नहीं पढ़ा और फोन स्क्रीन ऑफ करते हुए साइड में रख दिया। मैम, आपके नूडल्स और ये फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं, वेटर ने टेबल पर ऑर्डर सर्व करते हुए प्रियल को कहा। ऑल राइट, थैंक यू, प्रियल ने नूडल्स के हॉट बॉल को देखते हुए स्माइल के साथ वेटर को कहा। यू वेलकम मैम, वेटर के जाने के बाद प्रियल ने नूडल्स खाना स्टार्ट कर दिया और प्रियल नूडल्स के टेस्ट से काफी सरप्राइज थी, क्योंकि उसका टेस्ट अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था।
प्रियल बहुत अकेला महसूस कर रही थी वहां, और न जाने क्यों नूडल्स का टेस्ट सेम होने के बावजूद भी प्रियल को नूडल्स का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगता है जैसे लोगों के लिए पसंद बदल जाती है, वैसे ही खाने के लिए भी पसंद बदल जाती है। प्रियल नूडल्स का टेस्ट अच्छा ना लगने पर अपना एक्साइटमेंट लूज करते हुए सोचने लगी। पहले तो प्रियल को वरुण की कंपनी के बिना भी वो नूडल्स खाना बेहद पसंद था, पर अब पता नहीं क्यों उस नूडल का टेस्ट अच्छा लग रहा था, पर फिर भी उसका वो खाने का मन नहीं था। प्रियल वरुण के फेवरेट फ्रेंच फ्राइज खाते हुए पुरानी बातें याद कर रही थी। प्रियल के कानों में वरुण की पुरानी बातें गूंज रही थी, जो वो अक्सर यहां पर आकर रेस्टोरेंट के ओनर से कहा करता था। सर, आपको तो अपने रेस्टोरेंट में प्राइवेट डाइनिंग रूम क्रिएट कर लेना चाहिए, काफी चलेगा आपका रेस्टोरेंट। नहीं नहीं सर, हमारा तो छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ छोटी सी जगह पर कौन प्राइवेट डाइनिंग के लिए आएगा। प्रियल वरुण और रेस्टोरेंट ओनर की बातें याद करते हुए पुरानी सोच में डूब गई। प्रियल खुद को इतना अच्छे से वो बात एग्जैक्टली याद करते देख खुद पर हंस रही थी कि कैसे सब बातें इतने अच्छे से वो याद रख सकती थी। प्रियल अपने नूडल्स खा रही थी तभी उसे वरुण की आवाज फील हुई, पर प्रियल ने उसको अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया और नूडल्स के साथ फ्रेंच फ्राइज खाने लगी। वरुण, तुमने मुझे फोर्स किया यहां पर इस छोटे से रेस्टोरेंट में आने के लिए। प्रियल अपना लंच खा रही थी कि उसने एक लड़की की आवाज सुनी जो कि बहुत जानी पहचानी थी और जिसे सुनकर प्रियल चौंक गई। ये तो रिया है। प्रियल अपनी कजन रिया की आवाज सुनकर शॉक्ड होकर नूडल्स खाते हुए रुक गई। मुझे काफी साल पहले इस रेस्टोरेंट के नूडल्स बहुत पसंद थे, और अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ बाहर से गुजर रहा था और उस रेस्टोरेंट को इतना अच्छा रन करते देख मैंने यहाँ आकर नूडल्स खाए, और इतने सालों के बाद भी मैं यहाँ के नूडल्स का वही टेस्टी और डिलीशियस टेस्ट देखकर काफी सरप्राइज था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा, वरुण ने रिया से कहा। प्रियल वरुण और रिया की बातें सुन पा रही थी और वरुण का एक्सप्लेनेशन सुनकर वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। इस रेस्टोरेंट से प्रियल का इंट्रोडक्शन भी वरुण ने ही प्रियल से कराया था, और तब भी वरुण ने प्रियल को यही एक्सप्लेनेशन दिया था जो आज वो रिया को दे रहा था, जिसे सुनकर प्रियल को काफी वियर्ड लग रहा था। ओ अच्छा ठीक है, रिया ने वरुण को कहा। रिया के बोलने की टोन से लग रहा था कि वो वरुण की बात से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी और उसे उस रेस्टोरेंट में खाने का बिल्कुल मन नहीं था। रिया ऐसे साउंड मत करो यार, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ का खाना खाने के बाद तुम मेरे साथ यहाँ आने के डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करोगी, वरुण ने रिया को विश्वास दिलाते हुए कहा। ठीक है वरुण, रिया ने स्माइल के साथ वरुण को कहा, जैसे कि वो वरुण की हर बात पर एग्री थी। रिया और वरुण बातें करते हुए रेस्टोरेंट में आ रहे थे और प्रियल उन दोनों की आवाज सुनकर उन्हें खुद के पास आते हुए महसूस कर रही थी। सडनली प्रियल को याद आया कि प्रियल उसी विंडो सीट पर बैठी थी जो वरुण की फेवरेट सीट हुआ करती थी, और शायद वरुण आज भी उस सीट पर आकर जरूर बैठेगा। हे भगवान, मुझे आज भी यहां इसी सीट पर आकर बैठना था, काश ये दोनों यहां ना आए, यहां ना बैठे, प्रियल ने वरुण और रिया को उसकी सीट के नजदीक आते सुनकर सोचा। प्रियल को क्या पता था कि इतने सालों में भी वो आदमी उस रेस्टोरेंट में विजिट करेगा, वो भी उसी दिन जिस दिन वो आएगी। प्रियल के लिए वरुण और रिया का यहां आने का कोइंसिडेंस बहुत ही सरप्राइजिंग था। यार यहां तो कोई बैठा है, वरुण ने अपनी यूजुअल फेवरेट सीट पर किसी और को बैठे देख अनहैपीली रिया से कहा। वरुण जैसे ही प्रियल की सीट के पास और नजदीक आया तो उसने प्रियल को अपना सर झुकाए नूडल्स खाते हुए देखा, जिसे देखकर वरुण दंग रह गया था। ये यहां क्या कर रही है? ये यहां इतने सालों के बाद क्यों आई है जब हम एज अ कपल आया करते थे? वरुण प्रियल को वहां देखकर मन ही मन सोचने लगा। क्या हुआ वरुण? वरुण का हाथ पकड़ते हुए रिया ने वरुण से पूछा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वरुण अचानक से वहां क्यों रुक गया था और उसके फेस पर क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस थे। वरुण को ऐसे टेबल पर बैठी लेडी की तरफ देखते हुए रिया ने वरुण के आगे आते हुए सर झुकाए टेबल पर बैठी लेडी को गौर से देखा। प्रियल तुम? रिया ने प्रियल को वहां देखकर अपने बर्निंग फेस के साथ कहा। रिया तुम यहां? व्हाट अ कोइंसिडेंस। रिया का गुस्से भरा रिएक्शन देखकर प्रियल ने भी उसे इग्नोर करते हुए ओपनली स्माइल के साथ वेलकम किया। रिया का फिर से कोइंसिडेंटली रेस्टोरेंट में प्रियल से मिलना पता नहीं प्रियल की कहानी में कौन सा नया स्यापा करने वाला था, पर जो भी होगा वो एंटरटेनमेंट और ड्रामों से भरपूर होगा। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वरुण का प्रियल के साथ पास्ट में उस रेस्टोरेंट में बार बार आना,
और इतने साल के बाद वरुण का अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को वहां पर लाना, और वो भी प्रियल की खुद की कजन को, वो ज्यादा वियर्ड था। और फिर वरुण को प्रियल का वो डिशेस ऑर्डर करते देख क्यूरियस होना जो वो पास्ट में ऑर्डर करते थे, ये देखकर रिया को लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो वरुण के साथ सही नहीं है। प्रियल वरुण और रिया को वहां देखकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी। रिलैक्स प्रियल, काम डाउन, ये नूडल्स खत्म होने वाले हैं और फिर तो इन्हें फिनिश करके वापस जा सकती है, रिलैक्स रहे, तुझे इनके साथ ज्यादा देर तक डील नहीं करनी होगी। प्रियल वरुण और रिया को देखकर एंशियस फील करते हुए सोच रही थी। हाँ, क्या कोइंसिडेंस है, तुम्हें भी इस रेस्टोरेंट के बारे में पता है प्रियल? रिया ने स्माइल करते हुए प्रियल से पूछा। ये क्वेश्चन तो इसे इस धोखेबाज झूठे अपने बॉयफ्रेंड से पूछना चाहिए था। प्रियल मन ही मन गुस्से में रिया के क्वेश्चंस पर सोचने लगी। हाँ, मुझे पता है। प्रियल ने अपने नूडल्स का लास्ट बाइट लेते हुए रिया और वरुण को देखते हुए कहा। ये धोखेबाज वरुण कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। प्रियल ने वरुण को फ्रेंच फ्राइज की प्लेट की तरफ देखते हुए सोचा जो प्रियल ने ऑर्डर किए थे। तुम्हें और वरुण दोनों को इस रेस्टोरेंट के बारे में पता है, जरूर ये रेस्टोरेंट काफी फेमस होगा, रिया ने स्माइल करते हुए प्रियल को कहा, जैसे उसे रियलाइजेशन ही नहीं था कि उसके साथ खड़े आदमी के साथ कुछ तो गलत है। क्या बात है, रिया को अंदाजा है कि मैं और वरुण यहां साथ आया करते थे, फिर भी उसने इस बात को नहीं छेड़ा। रिया काफी स्मार्ट है, प्रियल मनी मन सोचने लगी। हाँ, शायद थोड़ा फेमस है, प्रियल ने कहा। वैसे यहाँ के नूडल्स काफी टेस्टी हैं। रिया को ऐसा बिहेव करते देख कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, प्रियल ने भी काफी नॉर्मली कहा। उसे भी उनके वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सच्ची? फिर तो मुझे यहाँ पर नूडल्स ही ट्राई करने चाहिए, है ना वरुण? रिया ने स्माइल के साथ वरुण की आर्म्स पर लीन होते हुए वरुण को कहा। रिया की बात सुनकर वरुण अपने सेंसेस में आया जो खोए हुए प्रियल के फ्रेंच फ्राइज की प्लेट पर देखे जा रहा था। सेंसेस में आने के बाद भी वरुण ने रिया के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और बजाय उसके वो प्रियल को अपनी कॉम्प्लेक्स लुक देते हुए घूर रहा था। अभी कुछ दिन पहले वरुण ने इस रेस्टोरेंट में विजिट किया था तो वो अकेला था और उसकी फियांसे रिया भी उसकी लाइफ में थी तो वो उसके लिए वो विजिट बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी। पर आज जब वरुण प्रियल को वहां उसकी फेवरेट प्लेस पर, उसकी फेवरेट सीट पर, उसके फेवरेट डिश खाते देख रहा था तो वो अपनी प्रियल के साथ पुरानी यादें याद करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था और काफी इमोशनल हो गया था। पहले जब प्रियल और वरुण वहां विजिट किया करते थे तो वो काफी एंजॉय किया करते थे। वो नूडल्स खाने के बाद लास्ट फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए फाइट किया करते थे और प्रियल हमेशा वरुण का ध्यान इधर उधर होने पर उसके नूडल्स में खूब सारी चिली पाउडर डालकर उसके साथ प्रैंक किया करती थी। और ये सब यादें वरुण के लिए काफी स्पेशल थी तो वो कैसे उसे याद ना कर पाता। वैसे तो वो सब यादें और बातें बहुत पुरानी हो गई थी पर अभी भी प्रियल को वहां वैसे ही देखकर वरुण उन सब बातों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। वरुण, वरुण, रिया ने वरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा जिसकी वजह से वरुण होश में आया और उसने अपने पास बैठी लड़की रिया की तरफ देखा। रिया काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और बेटर लग रही थी प्रियल के कंपैरिजन में, पर न जाने क्यों वरुण का दिल अभी भी प्रियल के लिए धड़कता था। वरुण, तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए हो यार? रिया ने जेंटली स्माइल करते हुए वरुण को कहा। वरुण काफी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के साथ रिया की तरफ देख रहा था। कुछ नहीं यार। रिया के वहां होने पर भी खुद को प्रियल के लिए फील करते हुए सोचकर वरुण ने गिल्टी होते हुए कहा। ओ सची? तो फिर चलो ऑर्डर देते हैं। रिया ने वरुण के एबनॉर्मल बिहेवियर को इग्नोर करते हुए वेटर को डिशेस ऑर्डर की। जहां प्रियल ने सिर्फ एक बाउल नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे वहीं रिया ने 5 अलग अलग डिशेस के साथ एक बाउल सूप और 2 नूडल्स भी ऑर्डर किए। प्रियल, तुम्हारा हो गया ना, अब आराम से थोड़ी देर हमारे साथ बैठकर हमसे बातें करो, कितना वक्त हो गया है मैंने तुमसे अच्छे से बात भी नहीं की, रिया ने स्माइल करते हुए प्रियल को कहा जैसे कि वो प्रियल की प्यारी रियल सिस्टर हो। रिया की झूठी स्माइल प्रियल को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही थी। प्रियल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजन उसके खिलाफ इतनी कॉन्स्पिरेसी करने के बाद भी उसके सामने इतना अच्छा बिहेव कर सकती है कि जैसे उसने उसके साथ कुछ किया ही ना हो। सच कहें तो प्रियल रिया पर काफी ट्रस्ट किया करती थी। प्रियल के दिमाग में वो अनोखी के साथ उसका प्राइवेट डाइनिंग में जाकर खाना खाना, वो कहीं ना कहीं प्रियल के दिमाग में खटक रहा था। प्रियल अपने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देते हुए रिया को देख रही थी
और रिया से पूछना चाहती थी कि वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे पूछे, क्योंकि उसे पता था अगर वो उससे पूछेगी तो रिया उसकी बातों पर साफ इनकार कर देगी। प्रियल, क्या हुआ? तुम भी अब वरुण की तरह स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? रिया ने प्रियल और वरुण को टीज करते हुए कमेंट किया। नहीं नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मुझे काम पर वापस जाना है, तो मैं तुम दोनों को लंच में और अकंपनी नहीं कर पाऊंगी। प्रियल ने जल्दी से अपना पूरा लंच फिनिश करते हुए रिया को कहा। अच्छा वैसे प्रियल, तुम्हारा काम पर लौटकर जाने की बात से मुझे याद आया, क्या तुम अपनी न्यू कंपनी में अभी भी अपनी फैमिली रियल एस्टेट कंपनी की तरह असिस्टेंट का काम कर रही हो? रिया ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। हाँ, प्रियल ने सर हिलाते हुए कहा। प्रियल रिया से अपनी जॉब के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती थी। प्रियल, मैं ये पूछना तो नहीं चाहती, पर जब तुम्हें असिस्टेंट का काम करना ही था तो तुमने अपनी फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी से रिजाइन क्यों दिया? तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में काम करना ज्यादा स्टेबल और कन्वीनियंट था। रिया ने अपने फेस पर जेंटल स्माइल रखते हुए प्रियल से पूछा, और साफ साफ वो लग रहा था जैसे वो प्रियल को टीज कर रही थी। ओ नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सीईओ सेक्रेटेरिएट की पोस्ट पर हूँ और वहाँ की सैलरी और ऑफिस ट्रीटमेंट दोनों काफी हाई है। प्रियल ने रिया के क्वेश्चन पर प्रैक्टिकल होते हुए आंसर दिया। क्या? यू मीन तुम रोहन वर्मन की असिस्टेंट हो? रिया ने लाउड होते हुए प्रियल से पूछा, और उसके फेस और वॉइस दोनों की जेंटलनेस सडनली गायब हो गई थी। रिया को खुद की बात पर इतना रिएक्ट करते देख प्रियल काफी कंफ्यूज थी। रिया, तुम जानती हो मेरे बॉस को? प्रियल ने रिया को क्यूरियोसिटी से देखते हुए पूछा। प्रियल को लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो उसे नहीं पता था। ऑफ कोर्स, मैं रोहन को जानती हूँ। रोहन हमारे सर्कल का पार्ट है। कौन किसे जानता है क्या बताऊं, पर तुम हमें हाफ स्कूलमेट कंसिडर कर सकती हो। रिया को पता था कि उसने प्रियल के सामने रोहन का नाम सुनकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसीलिए उसने काफी काम होकर प्रियल को कहा। What? Half schoolmates? प्रियल रिया की बात सुनकर अपनी आईब्रोज उठाते हुए उसे कह रही थी। सडनली प्रियल को याद आता है कि रिया अपनी फॉरेन स्टडीज से पहले स्कूल टाइम पर किसी से प्यार किया करती थी और उसे वो अपना हाफ स्कूलमेट कहकर बुलाया करती थी। कहीं रिया का वो स्कूल वाला प्यार और वो अनोइंग आदमी रोहन दोनों एक तो नहीं है? प्रियल रिया की बात सुनते हुए सोचते हुए सरप्राइजिंगली गेस कर रही थी। प्रियल का रिया की ओल्ड लव स्टोरी को रोहन से कनेक्ट करना सही है या गलत, वो तो कंफर्म नहीं है, पर यह कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस जरूर होगा। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम प्रियल के बारे में और जानने के लिए। जितना ज्यादा प्रियल रिया के एक्स लव के बारे में सोच रही थी, उतना ज्यादा ही उसे क्लियर होते जा रहा था कि वो रोहन ही था, क्योंकि प्रियल ने पहले कई बार रिया के मुंह से अपने क्रश के बारे में सुना था कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है और रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसका सरनेम वर्मन है। प्रियल, तुम इतनी जल्दी सीईओ की असिस्टेंट कैसे बन गई? मैंने तो सुना है कि तुमने अभी अभी रिसेंटली ही मलिक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की है, तो इतनी जल्दी इस डेजिग्नेशन पर काम करना काफी स्ट्रेंज है। क्या तुम्हारी किसी ने हेल्प की है क्या? रिया ने टीजिंगली स्माइल करते हुए प्रियल से पूछा। हाँ, मैंने अभी कुछ वक्त पहले मलिक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की थी। एक्चुअली मुझे प्रमोशन मिला और इसी वजह से मैं कंपनी से रिजाइन भी दे रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस डेजिग्नेशन के लिए क्वालिफाइड हूँ। पर पता नहीं कौन धोखेबाज डेविल, किसी ने कंपनी के इंटरनल फोरम में पोस्ट किया कि मैंने तुम्हारे फियांसे को सिड्यूस किया, और इसी बात पर गुस्सा करते हुए मैंने अपना रेजिग्नेशन देने का डिसीजन अब क्विट कर दिया है, क्योंकि मैं उन डेविल लोगों को उनके मकसद में कामयाब होने बिल्कुल नहीं देने वाली। प्रियल ने स्माइल करते हुए पॉज के साथ रिया को कहा। प्रियल की बात सुनकर रिया की टीजिंग स्माइल एकदम से गायब हो गई थी, और वरुण प्रियल को डिसअपॉइंट होकर घूर रहा था। ओ अच्छा रिया, तो तुम ही बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे फियांसे को सिड्यूस किया? प्रियल ने अपनी डिप्रेस्ड वॉइस में काफी इनोसेंटली रिया से पूछा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया ने अपना सर झुकाए हुए इमीडिएटली रिप्लाई किया, क्योंकि वो इस बात पर कोई और फर्दर कमेंट नहीं करना चाहती थी। अच्छा तो ब्रदर इन लॉ, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मैंने आपको सिड्यूस किया? प्रियल ने गुस्से से अपनी लाउड और शार्प वॉइस में वरुण से पूछा,
पर उसका उसे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाना उसके गुस्से भरे स्टेटमेंट को काफी पोलाइट दिखा रहा था। नहीं, वरुण ने अपनी वही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस देते हुए प्रियल को कहा। वैसे देखा जाए तो वरुण खुद भी श्योर नहीं था कि क्या प्रियल ने उसे चीट किया था पैसों के लिए या नहीं। ये सब बहुत बुरा हुआ है, पता नहीं कौन है वो गद्दार जिसने ये सब रूमर्स स्प्रेड किए और साथ में तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी। प्रियल ने अपना सर झुकाकर अनहैप्पी होते हुए कहा, मेरा एक पुराना क्लासमेट लॉयर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है और ये केस हैंडल भी कर सकता है। वरुण ने प्रियल के उस मोमेंट पर अनहैप्पी फील करते हुए काफी सीरियसली कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, प्रियल ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए वरुण के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। प्रियल के इतना रूडली ऑफर को रिजेक्ट करते देख वरुण काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो प्रियल कभी भी वरुण से इस टोन में बात नहीं किया करती थी, और आज सडनली प्रियल का ऐसा बिहेवियर देखकर वरुण को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और डिसअपॉइंट फील हो रहा था। प्रियल उन दोनों को उसकी बातों से शॉक में देखकर उन्हें इग्नोर करते हुए अपना सर झुकाकर पूरा लंच फिनिश करने लगती है। रिया और वरुण का ऑर्डर भी रेडी था। मैम, सर, आपकी सारी डिशेस रेडी हैं, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बुला सकते हैं, थैंक यू, वेटर ने स्माइल करते हुए टेबल पर डिशेस सर्व करते हुए कहा। वेटर के जाने के बाद प्रियल ने अपनी स्पून नीचे प्लेट पर रखते हुए टिश्यू से अपने हैंड्स और माउथ क्लीन किए। रिया, ब्रदर इन लॉ, तुम लोग अपनी मील एंजॉय करो, मेरा लंच हो गया है और मैं अब काम पर जा रही हूं, प्रियल ने दोनों को स्माइल करते हुए प्यार से कहा। तुम हमारे साथ यहां पर रुक कर थोड़ा सा और कुछ खा लो ना, मुझे पता है तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो एक बाउल नूडल से क्या तुम्हारा पेट भर गया? हाँ, रिया ने प्रियल को रोकने के लिए एक्सक्यूज देते हुए कहा। मैंने पेट भरकर खा लिया है रिया, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगती जितना तुम कह रही हो, अगर एक बड़ा बाउल खाकर भी मेरा पेट नहीं भरता तो या तो रेस्टोरेंट वाले नूडल्स की क्वांटिटी के साथ चीटिंग कर रहे हैं या मैं जानवरों की तरह खाती हूँ, पर एक्चुअली में मेरा पेट भर गया है, तो ये दोनों ही अजम्पशंस गलत है, प्रियल ने स्माइल के साथ रिया को कहा, पर रिया उसकी वॉइस में उसका गुस्सा देख सकती थी। प्रियल, तुम्हारा रिप्लाई सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो, रिया ने प्रियल को स्ट्रेट फेस के साथ देखते हुए कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी यार, प्रियल ने स्माइल करते हुए कहा। वहां से जाने लगी तब रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसने प्रियल को जाने से रोक दिया। प्रियल, मैंने तुम्हारी फ्रेंड से सुना कि तुमने आज रिजाइन दे दिया, रिया ने प्रियल के लिए अपने वरिड एक्सप्रेशंस दिखाते हुए कहा, पर उसकी बातों से उसकी नफरत साफ जाहिर हो रही थी। अगर तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो तुमने फिर से रिजाइन क्यों किया, अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो उन्हें कितनी टेंशन होगी, फैमिली एक्सपेंसेस को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर यार, रिया ने कंसर्न दिखाते हुए प्रियल को टीजिंग मैनर में कहा। प्रियल रिया की बात सुनकर शॉक्ड में थी। रिया, तुमने ये सब किससे सुना? मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूं, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कि मैंने रिजाइन दे दिया है। वाओ, प्रियल ने क्यूरियोसिटी के साथ रिया से क्वेश्चन किया। प्रियल को पता था कि रिया उस सेक्रेटरी के साथ कांटेक्ट में है जो उसके साथ हमेशा मिलकर उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, और अब उसके इस स्टेटमेंट के बाद वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती थी कि उसे उस सेक्रेटरी के बारे में नहीं पता था। रिया से आज की कॉन्वर्सेशन के बाद प्रियल को इतना रियलाइज हो गया था कि रिया की उससे दुश्मनी का रीजन वरुण तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने मानवी से सुना, मानवी मेरी फॉर्मर क्लासमेट हुआ करती थी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उससे टकरा गई और उसने मुझे पहचान लिया, तो हमने कुछ वक्त बातें की और फोन नंबर्स भी एक्सचेंज किए। मानवी और उसकी रिलेशनशिप को छिपाए बिना ही रिया ने प्रियल को आराम से बताया। ओह अच्छा, उसने बताया। प्रियल ने रिया के फेस के ब्लैंक एक्सप्रेशंस देखकर अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा। प्रियल ने रिया से उस मैटर में कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं किए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिया पे क्वेश्चन करने को उसके चाचा की फैमिली पर क्वेश्चन करना मानती थी, और वो अपनी चाचा की फैमिली पर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती थी। अच्छा खैर, तुम और वरुण कह रहे हो ना कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो ये सुनकर मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं पहले ये खाती हूँ और फिर हम तुम्हारे वर्क की बात करेंगे,
रिया ने स्माइल के साथ कहा और स्पून उठाकर लंच करने लगी। वरुण तुम खिलाओगे ना मुझे, रिया ने वरुण की तरफ टर्न करते हुए प्यार से कहा। वरुण का रिया का ऐसे प्यार से फ्लर्टी होना बहुत अच्छा लगता था, पर आज न जाने क्यों वो रिया के बिहेवियर से ऑकवर्ड फील कर रहा था। रिया यहाँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वरुण ने रिया को कहा। वरुण प्रियल की तरफ देख रहा था, पर जब उसने देखा कि प्रियल तो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी तो पता नहीं क्यों उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। बेबी प्लीज तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना, रिया ने वरुण को बेहद प्यार से जिद करते हुए कहा। रिया को इतना जिद करते देख वरुण के पास रिया को अपने हाथ से खिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वरुण ने स्पून उठाकर एक एक करके सारी डिशेस उसको खिलानी शुरू करी। और खिलाओ वरुण, बेबी वो भी वो भी खाना है मुझे, रिया जिद करते हुए वरुण को अलग अलग डिश खिलाने के लिए कह रही थी। प्रियल वरुण और रिया के इंटीमेट एक्शंस देखकर बहुत ज्यादा अनॉइंग फील कर रही थी और उसे वहां बैठकर उनको खाना खाते देख अपना टाइम वेस्ट लग रहा था। वरुण प्रियल तुम जो नूडल्स की इतनी तारीफ कर रहे थे वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, इनका टेस्ट काफी डिस्गस्टिंग है, रिया ने डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशंस देते हुए कहा। प्रियल रिया को डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशंस देते हुए देख रही थी और उसे पता था कि रिया जानबूझकर उसके सामने उसे दिखाने के लिए ऐसे बिहेव कर रही थी। वरुण ये नूडल्स बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, मैं अब यहां कभी नहीं आना चाहती, छी। ऐसा कैसे हो सकता है, रिया को उसके फेवरेट नूडल्स की बुराई करते देख वरुण ने शॉक्ड होते हुए कहा। डिस्गस्टिंग, तुम भी अब यहां नहीं आओगे वरुण, रिया ने गुस्से में कहा। रिया ने देखा कि प्रियल उसे डिस्गस्टिंग फील करते देख उस पर हंस रही थी, जिसे देखकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसकी इतनी हिम्मत तो देखो, ये मेरे ऊपर हंस रही है, रिया प्रियल को गुस्से में देखते हुए सोच रही थी। प्रियल नोटिस करती है कि उसे रिया बेहद गुस्से में घूर रही थी, जिसे देखकर प्रियल काफी शॉक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये रिया मुझे इतनी अचानक से इतने गुस्से में क्यों घूर रही है, प्रियल रिया को गुस्से में देखकर सोचने लगी। वाओ कितना हैंसम है, हाँ हाँ कितना स्टाइलिश है यार, क्या कोई ये सेलिब्रिटी है। अचानक रेस्टोरेंट में बैठे लोग रेस्टोरेंट में एंटर होते हुए एक चार्मिंग आदमी को देखकर कमेंट करने लगे, पर प्रियल का पूरा ध्यान रिया के गुस्से वाले एक्सप्रेशन पर था, जिसकी वजह से उसने उस चार्मिंग आदमी को नोटिस नहीं किया। प्रियल सडनली रिया के गुस्से भरे एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखती है और वो उसे देखकर कुछ सोच पाती, तभी उसे अपने सर के ऊपर एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है। तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, हाँ? रेस्टोरेंट में आए इस शख्स की एंट्री प्रियल की लाइफ में खूब सारे ड्रामे और सस्पेंस की एंट्री लाने वाली है, और जब ड्रामा होगा तो एंटरटेनमेंट भी पक्का होगा। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी अमन के साथ। प्रियल सर उठाते हुए शॉक में अपने सीट के पास खड़े आदमी को देख रही थी, जो काफी ज्यादा गुस्से में था, पर उसका चार्मिंग फेस उसके गुस्से से ज्यादा विजिबल था। प्रियल उस अनोइंग बट चार्मिंग फेस को वहां देखकर उसका वो एक्चुअली में होना बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही थी, और जिस वजह से उसकी बोलती एकदम से बंद हो चुकी थी। प्रियल तो चुप थी, पर उसे देखकर कोई दूसरा अपना मुंह खोलने से नहीं रुका। रोहन तुम, रिया ने चार्मिंग सीईओ रोहन वर्मन को देखते हुए एक्साइटमेंट में कहा। रिया का फेस जो गुस्से से लाल था वो रोहन को देखकर खुशी से चमकने लगा। रिया का रोहन को इतने एक्साइटेड होकर अफेक्शन के साथ पुकारना वरुण को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। प्रियल भी रिया के रोहन को इस तरीके से बुलाते देख दंग रह गई थी। रिया का रोहन के लिए वो बिहेवियर प्रियल को और ज्यादा अश्योरिटी दे रहा था कि रिया हमेशा से रोहन के लिए कुछ ना कुछ तो फील करती थी। तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया, रोहन ने रिया को इग्नोर करते हुए प्रियल को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए पूछा। रोहन के क्वेश्चन ने प्रियल को मानो फ्रीज कर दिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, काफी देर सोचने के बाद प्रियल ने रोहन के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखते हुए काफी अनप्लीजेंट मैनर में रिप्लाई किया। मैंने तुम्हें मैसेज किया था, प्रियल का अनप्लीजेंट टोन में रिप्लाई सुनकर रोहन ने गुस्से भरी आवाज में लाउड होकर कहा। ओ सॉरी मेरा फोन आई थिंक बंद था, प्रियल ने अपोलॉजी मांगते हुए कहा, लेकिन उसका एटीट्यूड देखकर लग रहा था कि वो जरा भी सॉरी नहीं थी। मुझे पता है तुमने मेरा मैसेज रीड कर लिया था, प्रियल को झूठ बोलता देख रोहन ने गुस्से में प्रियल को देखते हुए कहा।
मेरा फोन स्विच्ड ऑफ था, प्रियल ने गुस्से में रोहन की बात पर रिफ्यूज करते हुए कहा। इस अनोइंग आदमी से डील करना कितना अनोइंग है यार, प्रियल रोहन पर गुस्सा करते हुए सोच रही थी। प्रियल कंपनी से इसीलिए गई थी कि उसे रोहन की शक्ल ना देखनी पड़े, पर फिर भी उसे रोहन को डील करना पड़ रहा था, और इस बात को सोचते हुए ही प्रियल को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और ऊपर से अपने सामने बैठे कपल के अनोइंग एक्सप्रेशन देते हुए चेहरे को देखकर प्रियल का फ्रस्ट्रेशन लेवल हद से ज्यादा पार हो रहा था। ये भगवान, मैं यहां क्यों आई, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, और सीधे सीधे अपने घर चले जाना चाहिए था। ये सब लोग कितने फ्रस्ट्रेटिंग और अनोइंग है यार। प्रियल, रोहन, रिया और वरुण के अलग अलग एक्सप्रेशंस वाले फेसेस को देखते हुए परेशान होकर ये सब सोच रही थी कि अचानक प्रियल का फोन बजने लगा। अपना फोन बजने पर प्रियल रोहन से नजरें चुराने लगी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। रोहन प्रियल को अपनी स्टिली आईज से देख रहा था कि जैसे वो प्रियल का फोन उससे छीन लेगा। छूटी औरत, रोहन के एक्सप्रेशंस देखकर प्रियल रोहन की नॉट हियरिंग वॉइस को साफ सुन सकती थी। अच्छा, फोन तो स्विच्ड ऑफ था ना, रोहन ने प्रियल पर कमेंट मारते हुए कहा, जैसे कि अब प्रियल का झूठ पकड़ा गया हो। प्रियल चाहती थी कि वो कह दे कि ये किसी और का फोन रिंग कर रहा था, पर इतना ओवर झूठ वो बोल नहीं सकती थी। प्रियल के फोन की रिंग इतनी लाउड थी कि उसके हैंडबैग के अंदर से साफ सुनाई दे रही थी। रिया, प्रियल और रोहन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। रोहन वर्मन जैसा आदमी, उसने प्रियल के फोन में अपना नंबर क्यों सेव किया हुआ है? इन दोनों की बातों से लग रहा है जैसे ये दोनों काफी क्लोज हैं। आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, रिया गुस्से में सोचने लगी। प्रियल, क्या तुम रोहन को जानती हो, रिया ने अपनी झूठी स्माइल दिखाते हुए प्रियल से पूछा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। रिया के क्वेश्चन की वजह से वहां का कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट थोड़ा नॉर्मल हो गया था। रिया, क्या तुम्हें यह बात पहले से नहीं पता, प्रियल ने रिया को अपने स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई किया। रिया बहुत ज्यादा गुस्से में जेलस फील कर रही थी जब उसने देखा कि रोहन की नजरें सिर्फ और सिर्फ प्रियल को ही देखी जा रही थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि रोहन जैसा चार्मिंग, रिच, हैंडसम आदमी प्रियल जैसी अगली लड़की के लिए क्यों इतना कंसर्न था, और क्यों प्रियल को एक नॉर्मल सेक्रेटरी की तरह वो ट्रीट नहीं कर रहा था। क्या मानवी जो कह रही थी वो सब सच था? क्या प्रियल ने अपने स्पेशल ट्रिक्स यूज करके रोहन को सिड्यूस किया है? रिया ये सोचते हुए गुस्से में प्रियल को घूर रही थी। रोहन, तुमने भी शायद लंच नहीं किया होगा, है ना, तुम हमें लंच में ज्वाइन कर सकते हो, रिया ने अपनी जेलसी को छुपाते हुए फेक स्माइल के साथ रोहन को कहा। इवन प्रियल ने भी लंच नहीं किया। जब रोहन ने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो रिया ने अपनी बात में ऐड करते हुए प्रियल का नाम लिया। रोहन रिया को पिन पॉइंट करते हुए प्रियल का नाम लेते देख घूर रहा था, और फिर वो बिना कुछ रिप्लाई किए लंच के लिए प्रियल की बगल वाली सीट पर बैठ गया। नहीं नहीं, मेरा हो गया है, मैं अब यहां से जा रही हूं, रोहन को रास्ता रोकते हुए अपने पास बैठकर देख प्रियल ने गुस्से से कहा। प्रियल, सीरियसली, रोहन तुम्हारा बॉस है, एटलीस्ट तुम अपना गुस्सा और टेम्परामेंट अपने बॉस के सामने तो मेंटेन करो यार, रिया ने अपना प्रियल के लिए झूठा प्यार और कंसर्न दिखाते हुए कहा। रिया का प्रियल से यह कहना ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी डिसओबीडियंट छोटी बहन को प्यार से समझा रही हो। प्रियल रिया को ऐसा करते देख काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अपनी सिस्टर रिया के साथ अच्छे रिलेशंस होने के बाद भी रिया ने प्रियल को इतना प्यार से कभी ट्रीट नहीं किया था, और फिर उसके फॉरेन स्टडीज कंप्लीट करके आने के बाद तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका प्रियल की तरफ बहुत ही ज्यादा कोल्ड एटीट्यूड हो गया था। प्रियल अपने पास बैठे रोहन को देख रही थी, पर जब उसने देखा कि रोहन अभी भी उसे घूर रहा था, उसने जल्दी से अपने फेस को दोबारा टर्न कर लिया। रिया प्रियल और रोहन को देख रही थी, और उनका एक दूसरे को देखना उसे जेलसी से मार रहा था। रोहन, तुम क्या खाना पसंद करोगे, रिया रोहन को स्माइल करते हुए पूछती है। ये लेडी, कौन हो तुम, रिया के क्वेश्चन करने पर फाइनली इस बार रोहन ने रिया की तरफ देखते हुए रिप्लाई किया। रोहन की बात सुनकर मानो रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुम मुझे नहीं पहचाने रोहन, रिया ने अपनी लाउड वॉइस में रोहन से पूछा। रोहन की बात पर रिया की स्माइल गायब हो गई थी, और बचा था तो सिर्फ गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट।
और ऐसा होता भी क्यों नहीं। रिया रोहन से मैडली प्यार किया करती थी और रोहन उसे पहचानने से भी मना कर रहा था, तो रिया इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। रिया का रोहन के लिए ऐसा रिएक्शन देखकर वरुण रिया को डिसअपॉइंट होते हुए देख रहा था। वरुण की नजरें सिर्फ प्रियल और अब रिया पर थी। वो दोनों रोहन की प्रेजेंस में कैसे बिहेव कर रहे थे और उसने एक बार भी रोहन की तरफ देखा तक नहीं। रिया का वरुण के लिए ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वरुण रिया को डिसअपॉइंट होते हुए देख रहा था। वरुण की नजरें सिर्फ प्रियल और रिया पर एक टक लगी हुई थी। क्या मुझे याद रखना चाहिए, रोहन ने अपनी कोल्ड वॉइस में रिया से पूछा। रिया रोहन का क्वेश्चन सुनकर उसे सदमे में देख रही थी। रिया के फेस की सारी स्माइल गायब हो गई थी, वो सिर्फ रोहन की बात पर उसे गुस्से में देख रही थी। प्रियल रिया और रोहन को देखकर काफी कंफ्यूज थी। प्रियल को पता था कि रिया का पहला प्यार क्लियरली रोहन ही था, क्योंकि रिया का अपने लव के लिए डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली रोहन को डिस्क्राइब कर रहा था। पर फिर भी रोहन का रिया को रिकॉग्नाइज ना करना प्रियल को काफी स्ट्रेंज लग रहा था। तुम्हें मेरी कजन याद नहीं है, ये रिया है, प्रियल ने रोहन को रिमाइंड कराते हुए कहा। रोहन प्रियल की बात सुनकर अपनी आईब्रोज उठाते हुए ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ याद ही नहीं कर पा रहा था। ओ अच्छा, वो है, रोहन ने काफी सोचने के बाद रिएक्ट किया। रिया रोहन और प्रियल को कनेक्टेड देखकर काफी जेलेसी में थी। हम न जाने ये जेलेसी कौन सा नया बवंडर प्रियल की लाइफ में लेकर आने वाला था, पर एंटरटेनमेंट और ड्रामा भरपूर होगा। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी अमन के साथ। रोहन ने फाइनली रिया को रिकॉग्नाइज कर लिया था, पर उसके बाद भी रिया खुश होने की बजाय गुस्से में थी। रिया प्रियल को अपने डार्क एक्सप्रेशन देते हुए गुस्से में घूर रही थी। क्यों? क्योंकि रोहन प्रियल की याद दिलाने के बाद ही उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, और रिया की इतनी कोशिश के बाद भी रोहन ने उसे कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए। यह सोच सोचकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिया अभी सिर्फ ये सोच सकती थी कि प्रियल ने रोहन को बहुत बुरी तरीके से एक्यूज किया हुआ है, पर रोहन भी रिया को प्रियल के रिमाइंडर की वजह से याद नहीं कर पाया था, बल्कि वो उसे प्रियल के उसे अपनी कजन कहकर बुलाने पर ही उसे रिकॉग्नाइज कर पाया था। और फिर रोहन को प्रियल की ये बात सुनकर अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि प्रियल की कजन वो अमीरजादी रिया है। ऑनेस्टली रोहन इतने सालों के बाद भी रिया का नाम और उसके लुक्स दोनों भूल गया था, पर उसका अमीरजादी कहकर आदित्य का उसे डोनेट करना अभी भी रिया को डिस्क्राइब कर रहा था, क्योंकि रोहन साफ रिया का करंट एटीट्यूड और लुक देखकर उसे अमीरजादी कह सकता था। अगर उस दिन आदित्य ने उसे रिमाइंड नहीं कराया होता तो शायद रोहन रिया जैसे लोगों को कभी याद ही नहीं करता, और याद करना तो दूर, उन्हें देखता भी नहीं। क्या मेरी कजन याद आ गई, प्रियल क्यूरियोसिटी के साथ रोहन को देखते हुए उससे क्वेश्चन कर रही थी। प्रियल सच में बहुत क्यूरियस थी रोहन और रिया के अजीब दिखने वाले रिलेशनशिप को जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि वो दोनों कैसे मिले थे। मुझे इररिलेवेंट लोग याद नहीं रहते, रोहन ने प्रियल की क्यूरियोसिटी देखते हुए उसे कामली घूरते हुए कहा। क्या मैं और इररिलेवेंट, रोहन की बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिया अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश के साथ अपने फेस पर स्माइल रखने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, ये काफी नॉर्मल बात ही तो है, रोहन को अगर मैं याद नहीं हूं तो, रिया ने सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा। हम उतने क्लोज भी नहीं थे, रोहन ने रिया को अपना स्ट्रेट लुक देते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। टेबल पर कोई भी इतना स्टूपिड नहीं था कि वो रोहन के स्टेटमेंट का मतलब ना समझ सके कि हम इतने भी क्लोज नहीं थे। क्या रोहन का यह कहना जरूरी था, रिया गुस्से में सोचने लगी, पर जैसा कि वो अपने एक्सप्रेशन छुपाने में काफी अच्छी थी तो उसने अपने फेस पर अपना गुस्सा झलकने नहीं दिया, और स्टिल उसने अपने फेस पर एक अजीब सी स्माइल बरकरार रखी। हाँ, हम ज्यादा क्लोज नहीं है, रिया ने अपना सर उठाकर रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जो रिया को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। रिया अब रोहन के इस बिहेवियर के बाद हार मान चुकी थी, और उसे समझ आ गया था कि वो कुछ भी कर ले पर रोहन उसे अटेंशन नहीं देगा। पर फिर भी उसे गुस्सा इस बात का था कि प्रियल को भी क्या राइट है रोहन के पास बैठकर उसके क्लोज होने का, जो कि रिया से स्टेटस, डेजिग्नेशन, पावर और ब्यूटी सब में बहुत नीचे है। तुमने कहा कि तुम लंच कर चुकी हो, राइट, रोहन ने प्रियल को अपनी आईब्रोज उठाते हुए कामली कहा। हाँ, प्रियल ने रोहन को अपना स्ट्रेट लुक देते हुए आंसर दिया। अच्छा, तो फिर वापस चलो, रोहन ने प्रियल का हाथ पकड़कर पुल करते हुए कहा।
रोहन का बिना प्रियल का ओपिनियन जाने उसका हाथ पुल करते हुए उसे साथ लेकर जाना और ये कहना वो काफी ओवरबियरिंग था। रोहन के इस एटीट्यूड की वजह से प्रियल को बहुत गुस्सा आ रहा था। रोहन वर्मन मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या राइट है मुझे इस तरह से अपने साथ यूं लेकर जाने का, प्रियल गुस्से में भड़कते हुए रोहन पर चिल्लाते हुए कह रही थी। रिया रोहन को प्रियल का हाथ पकड़ते हुए और उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए बहुत गुस्से में डार्क एक्सप्रेशन देते हुए उसे घूर रही थी। रोहन मुझे छोड़ो, प्रियल गुस्से में अपना हाथ रोहन के हाथ की ग्रिप से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने कहा ना उसे छोड़ो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, प्रियल स्ट्रगल करते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक वरुण ने रोहन पर चिल्लाते हुए कहा। जब से रोहन आया था तब से वरुण शांत बैठा था, पर उसे प्रियल के साथ ऐसे बिहेव करता देख वो खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाया। पर रोहन भी अपने आप में ही काफी इंट्रोवर्ट और सुपीरियर था और उसके लिए वरुण का कुछ भी कहना मैटर नहीं करता था, तो वो क्यों वरुण की बात सुनता। तुम, रोहन को उसकी बात को इग्नोर करते हुए देखकर वरुण ने गुस्से में रोहन को कहा और वो प्रियल की हेल्प करने रोहन के पास जा ही रहा था तभी उसकी फियांसे रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया। वरुण इतना गुस्सा मत करो, रोहन प्रियल का बॉस है, जरूर कुछ काम से जुड़ा मैटर होगा इसीलिए वो जा रहे हैं, वैसे भी अभी ऑफिस आज है, रिया ने वरुण का हाथ पकड़कर उसे सॉफ्टली समझाते हुए कहा। रिया प्रियल को खुद से बहुत नीचा समझती थी और वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि प्रियल अपने साथ बैठे दोनों आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। प्रियल क्लियरली ना तो ज्यादा प्रिटी थी और ना ही स्मार्ट, और साथ ही उसका फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस भी रिया से काफी कम था, और इन सब के बावजूद भी रोहन और वरुण दोनों का प्रियल की तरफ अट्रैक्ट होना रिया को जरा भी हजम नहीं हो रहा था। प्रियल का गुस्से में रोहन से अपना हाथ छुड़ाते देखना वरुण को भी बहुत गुस्सा दिला रहा था। रिया के समझाने के बाद भी वरुण रोहन को गुस्से में देखते हुए उसके पास उससे लड़ने जा ही रहा था कि रिया ने कसकर वरुण का हाथ पकड़ लिया। वरुण तुम मेरे फियांसे हो या प्रियल के, रिया ने वरुण को रोकते हुए डिसअपॉइंटेड लुक देकर वरुण को रोकने की कोशिश की, जिसे सुनकर वरुण काफी शॉक था और गिल्टी फील कर रहा था। रिया वरुण के सामने कभी ये बात नहीं कहना चाहती थी, पर आज वरुण को जो कभी प्रियल के लिए अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता था उसके लिए इतनी कंसर्न दिखाते हुए साफ जाहिर कर रहा था कि वो अभी भी प्रियल के लिए फील करता है, और ये बात रिया को कैसे ट्रिगर नहीं करती। रिया, वरुण रिया के स्टेटमेंट पर चुप पड़ गया था और वो गिल्टी फील करते हुए रिया से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वरुण को प्रियल के लिए इतना कंसर्न दिखाते देख रोहन अब अपने गुस्से वाली वाइट रेड आंख से वरुण को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए घूर रहा था। वरुण भी रोहन को यूं उसे घूरता देख भूल गया था कि वो रिया को क्या कहना चाहता था और उसे गुस्से में देखने लगा। रोहन का वरुण की तरफ ध्यान जाने का फायदा उठाकर प्रियल ने खुद का हाथ रोहन के हाथ से छुड़ाने का मैनेज करते हुए खुद का हाथ रोहन की टाइट ग्रिप से छुड़ा लिया था। यह बहुत बेकार था, रोहन ने प्रियल को ऐसा करते देख उसे घूरते हुए कहा, पर रोहन की आवाज में जितना गुस्सा था उस वक्त उससे ज्यादा गुस्सा प्रियल के एक्सप्रेशंस में देखा जा सकता था। प्रियल रोहन के बिहेवियर से बहुत गुस्से में थी। ये कैसा इंसान है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की, प्रियल गुस्से में सोचते हुए रेस्टोरेंट से चली गई। प्रियल को जाता देख रोहन भी उसे फॉलो करते हुए वहां से चला गया। रेस्टोरेंट में बचे हुए रिया और वरुण बिना कुछ खाए हुए शॉक में रोहन और प्रियल को वहां से जाता देख रहे थे। रोहन के वर्ड्स अभी तक रिया और वरुण दोनों को बहुत बॉदर कर रहे थे। जहां वरुण रोहन के प्रियल के साथ बिहेवियर से परेशान और गुस्सा था, वहीं रिया गुस्से के साथ काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि प्रियल का रोहन को ट्रीट करना और रोहन का प्रियल को ट्रीट करना दोनों ही काफी ज्यादा अलग बिहेवियर थे, और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। रिया आज के सीन के बाद अजम्पशंस लगाते हुए सोच रही थी। रोहन, प्रियल, रिया और वरुण चारों आज के ड्रामे के बाद अपने रीजंस और अजम्पशंस को लेकर गुस्से में थे, और न जाने इनका गुस्सा आगे कौन सा नया सीन क्रिएट करने वाला है, पर जो भी सीन हो वो एंटरटेनमेंट, ड्रामे और सस्पेंस से भरपूर होगा। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम प्रियल के बारे में और जानने के लिए।